So today I'll send you the PDF, the thematic PDFs of ट्राइबल. ठीक है, तो ट्राइबल का एक मैं आपको जो है वो थीमेटिक राइट आउट जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, इन विच देर विल बी द केस स्टडीज और देर विल बी द ट्राइबल स्टडीज दैट आर डन बाय मैनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और उसके जो है वो रिजल्ट्स लिख दिए हो गए होंगे. प्लीज़ गो थ्रू देम, एक बार जो है वो उनको रीड कर लीजिएगा. इतने से ही वो जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपकी मेमोरी में बैठ जाएंगी, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो याद हो जाएंगी. ठीक है, ट्राइबल के लिए ज़्यादा जो है वो मशक्क़त नहीं लगती है, एंड इट्स कंपैरेटिवली स्कोरिंग एरिया इन कंपैरिजन विद द पेपर वन, जहाँ पे आपको जो है वो इतना काम करना पड़ता है. ओके, सो टुडे विल स्टार्ट विद द कल्चर पार्ट. हम जो है वो कल्चर को स्टार्ट करेंगे. ओके, चलिए, सो लेट स्टार्ट. सो दिस क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड इन 2020, ह्यूमन राइट्स एंड कल्चरल रिलेटिविज्म. ठीक है, और विल ट्राई टू कवर द कल्चरल रिलेटिविज्म. ओके, सो कल्चरल रिलेटिविज्म, सो कल्चरल रिलेटिविज्म विस अ विस एथनोसेंट्रिज्म. ठीक है, दोनों जो कंसेप्ट्स हैं उनको हम जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे. पहले हम एथनोसेंट्रिज्म को देखते हैं. समनर का नाम लिखना ज़रूरी है. समनर ने किताब लिखी थी फोक वेज, वहाँ पे समनर ये कहते हैं कि एक अपना ग्रुप होता है इंसान के दिमाग के अंदर, एक अपने ग्रुप की धारणा होती है और एक आउटसाइडर ग्रुप की धारणा होती है आपके पास. ठीक है, सो ये जो आपके पास कंसेप्ट है दैट इज नोन एज द एथनोसेंट्रिज्म, कि जो अपना ग्रुप है, जब इंसान जो है वो किसी भी क्रिटीरिया के ऊपर किसी को अपना मान लेता है तो उसको जो है वो सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हिम इट इज द व्यू विच द थिंग्स इन वंस ओन ग्रुप दे आर सेंटर ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, वो जो है वो हर किसी का धुरा बन जाता है. ठीक है, एंड एवरीथिंग इट इज स्केल्ड एंड रेटेड इन रेफरेंस टू इट. ठीक है, और हर चीज़ को जो है वो उसी की रेफरेंस से जो है वो देखा जाना स्टार्ट कर देते हैं लोग. गम्पलोविक्स जो हैं, अकॉर्डिंग टू गम्पलोविक्स द रूट्स ऑफ द एथनोसेंट्रिज्म इट लाइज इन द प्राइमोडियल फीलिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स आइडेंटिफिकेशन विद द ग्रुप. ठीक है, तो इंडिविजुअल किस बेसिस के ऊपर जो है वो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन बनाता है, उस चीज़ के ऊपर जो है वो आपका जो है एथनोसेंट्रिज्म. ठीक है, सो ओके, सो दिस वाज द एथनोसेंट्रिज्म. ये आपके पास एथनोसेंट्रिज्म है. एथनोसेंट्रिज्म के बारे में सब लोग जानते हैं, कि सब लोग अच्छे से लिख भी देते हैं, लेकिन गुम्पलोविक्स और आपके पास समनर मेन जो हैं इनका नाम जो है वो लिखना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, स्पेशली अगर आप गुम्पलोविक्स को भूल भी जाएं तो आपके पास नॉट समनर मेन, WG समनर का जो नाम है वो लिखना जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. देन व्हाट आर द नेगेटिव फॉल आउट्स ऑफ द एथनोसेंट्रिज्म, भाई ये भी सब लोगों को पता ही है. इनटॉलरेंस ब्रीड करता है, जो आपके पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टम्स है, कल्चर है, उनको हिंडर करता है, किसी और के कल्चर को समझने नहीं देता, रेसिज्म का जेनेसिस है, वॉयलेशन करता है ह्यूमन राइट्स की, जो आपके पास जो प्रोग्रेस है उसको ख़राब कर देता है. सो इसके अगेंस्ट जो है वो आपके पास जो है वो कल्चरल रिलेटिविज्म का कंसेप्ट आता है. कल्चरल रिलेटिविज्म इट इज़ बेसिकली इट इज़ प्रोपोगेटेड बाय और इट इज़ एडवोकेटेड बाय द ग्रेट फ्रांस बोआ. फ्रांस बोआ ने इसको जो है वो प्रोपोगेट किया. फिर उसके बाद फंक्शनलिज्म में मलिनोस्की लेके आए, एंड मलिनोस्की टाइड इट विद द पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन. पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन के साथ जो है वो मलिनोस्की ने इसको जो है वो टाई कर दिया. सो इन दो इंसानों के, इन दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम लिखने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसके आगे भी जाना चाहते हो प्लीज़ राइट अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म. पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में लिख दीजिए. देयर यू हैव द पोली वोकैलिटी प्रिंसिपल, अगेन इट हैज़ बीन ड्राइव्ड, और अगेन इनकी जो रूट्स हैं वो आपके पास
कल्चरल रिलेटिविज्म में ही दिखाई देती हैं। ठीक है, सो कल्चरल रिलेटिविज्म, दिस इज द डेफिनेशन, इट इज द मेथड ऑफ एथनोग्राफी इन विच द सोसाइटीज और कल्चर्स दैट आर स्टडीड ऑब्जेक्टिवली, उनको ऑब्जेक्टिवली स्टडी किया जाता है विदाउट यूजिंग द वैल्यू ऑफ वंस कल्चर टू जज द अदर कल्चर। ठीक है, एक कल्चर को जो है वो नहीं यूज किया जाता तो दूसरी कल्चर को जो है वो जज करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द कल्चरल रिलेटिविज्म, ये आपके पास कल्चरल रिलेटिविज्म होता है और इसके जो हैं वो दीज आर द फीचर्स। अब जो सवाल आया था कल्चरल रिलेटिविज्म एंड ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इट वाज ओन दी एलिजाबेथ जेंचेंटर। देखिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, एंड हेयर इन द इंट्रोडक्शन ओनली यू हैव टू राइट द नेम ऑफ एलिजाबेथ जेंचेंटर। एलिजाबेथ जेंचेंटर का जो नाम है आपको अब उसके इंट्रोडक्शन में ही लिख देना है। ठीक है, कि एलिजाबेथ जेंचेंटर ने जो है वो ये कहा है दैट कल्चरल रिलेटिविज्म इट इज ऑफन यूज टू जस्टिफाई द ट्रेडिशनल डिजायर्स बाय द पावरफुल क्लास, बाय द डोमिनेंट और द पावरफुल क्लास, ताकि वो जो है वो अपने फंडामेंटलिस्ट व्यूज को जो है वो जस्टिफाई कर सके। ओके, सो ये जो आपके पास क्रिटिसिज्म की लाइन है, ये यू हैव टू राइट इट इन द इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो उसके बाद आप ये जो सारी चीजें हैं किस तरह से फंडामेंटलिस्ट क्लास जो है वो कल्चरल रिलेटिविज्म को यूज करती है फिर आप बताओगे। जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस द स्ट्रक्चर इट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जो लाइन है वही लिखनी है कि एलिजाबेथ जेंचेंटर जो है वो यही कहती हैं कि सामने वाला इंसान जो है वो कल्चरल रिलेटिविज्म को यूज करता है, डोमिनेंट क्लास जो है वो कल्चरल रिलेटिविज्म को यूज करती है टू प्रोपोगेट दी फंडामेंटलिस्ट व्यूज। ठीक है, अपने फंडामेंटलिस्ट व्यूज को प्रोपोगेट करने के लिए। उसके बाद आप इसका प्रोसेस स्टार्ट करोगे दैट हाउ दिस हैपन्स, ये कैसे होता है। देयर यू विल स्टार्ट दैट दी फ्रांस बोआ ने कल्चरल रिलेटिविज्म को बताया कि फ्रांस बो कल्चरल रिलेटिविज्म को बताया कि आपके पास जो है वो कल्चरल रिलेटिविज्म ये चीज होती है। ठीक है, कि इसके अंदर जो है वो किसी एक कल्चर की वैल्यूज को नहीं यूज किया जाता दूसरे कल्चर की वैल्यूज को जज करने के लिए, बल्कि सब ऑब्जेक्टिविटी जो है वो आपके पास फॉलो की जाती है सो एज टू रिकॉर्ड वन कल्चर और सो एज टू अंडरस्टैंड वन वैल्यूज ऑफ द कल्चर। एंड देन दी मलिनोस्की, उन्होंने जो है वो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन वो आपके साथ लेके आए। इसके साथ क्या होता है कि आपके पास जो यूनिवर्सल राइट्स हैं, ठीक है, इवेंचुअली यू हैव द पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म ने जो आपके पास डोमिनेंट नरेटिव्स हैं लाइक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। एंड इवेंचुअली द कल्चरल रिलेटिविज्म इट वॉज बींग यूज फॉर द पावरफुल क्लास ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी कहानी है, सो नाउ दिस क्वेश्चन इट विल बिकम द हेड वाइज, ये आपके पास हेड वाइज बन जाएगा। ठीक है, हमने ये यही सारा मटेरियल जो है वो आपके पास लिखा है। ओके, बट अब ये जो क्वेश्चन है ये उल्टा पूछ लिया। ठीक है, कान को यहां से पकड़ना था, यहां से पकड़ लिया यूपीएससी ने। ठीक है, पकड़ा कान को ही है। ओके, सो जस्ट इसका जो स्ट्रक्चर है आपको जो है वो उल्टा कर देना है। डोंट स्टार्ट फ्रॉम वट इज कल्चरल रिलेटिविज्म, इससे इंट्रोडक्शन मत कीजिएगा। इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी डायरेक्ट, वेरी ऑब्जेक्टिव, और उसको जो है इसी तरह से इंट्रोड्यूस करना है कि आपके पास एलिजाबेथ जेंचेंटर ने जो है वो आपके पास दिस ये जो आपकी थ्योरी है और दिस व्यू इट हैज बीन गिवन बाय द एलिजाबेथ जेंचेंटर। ठीक है, फिर उसके बाद बता देना कि स्ट्रक्चर आपके पास जो रिलेटिविज्म है वो क्या होता है, कि अकॉर्डिंग टू फ्रांस बोआ दिस इज रिलेटिविज्म, कि एक कल्चर की वैल्यू को जो है वो ना यूज करो दूसरे कल्चर की वैल्यू को जज करने के लिए। यू शुड बी ऑब्जेक्टिव इन योर अप्रोच, एंड दिस कल्चरल रिलेटिविज्म इट वॉज कंबाइंड बाय पार्टिसिपेटरी विद पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन बाय मालिनोवस्की। एंड देन द पोस्ट मॉडर्निस्ट दे क्वेश्चन विद द कंसेप्ट ऑफ पोलिवोकैलिटी विच हैज रूट्स इन द कल्चरल रिलेटिविज्म। आपके पास पोस्ट मॉडर्निस्ट ने जो डोमिनेंट नरेटिव्स हैं जैसे यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, इनको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि ये वाकया में होते हैं, आर आर शुड ये दे बी यूनिवर्सल।
सो इवेंचुअली जो आपके पास डोमिनेंट पावरफुल क्लास है, उन लोगों ने जो है वो आपके पास इस कल्चरल रिलेटिविज्म को जो है वो यूज करना स्टार्ट कर दिया। देन कोट दी केस स्टडीज, फिर उसके बाद जो आप सबको जो है वो कुछ केस स्टडीज जो हैं, एवरीबडी नोज अबाउट द केस स्टडीज, कि आपके पास जो तालिबान है वो यूज करता है कल्चरल रिलेटिविज्म को, दैट कि गर्ल चाइल्ड को ना पढ़ने देना उनके कल्चर के, गर्ल चाइल्ड का जो पढ़ना है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है टू गर्ल चाइल्ड, वो उसके कल्चर के खिलाफ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बामियन बुद्धा का जो स्टैचू है उसको कहा कि ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, इसको उड़ा दो, उसको तोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, सो दो दैट केस स्टडी यू हैव टू राइट एंड देन यू हैव टू कंक्लूड। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ, वो तो कॉलोनियलिज्म, तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ था। ठीक है, सो इस तरह से यू हैव टू राइट वो। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको चीजों को लिखना है। गेटिंग द पॉइंट? ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट तो जो अगर आप किसी चीज़ को भी यूज़ कर रहे हो तो दैट इज वेल एंड गुड, वो तो फिर तो वो तो चीज़ सही है। ओके, सो दिस इज दी कल्चरल रिलेटिविज्म, ये आपके पास ह्यूमन राइट्स एंड कल्चरल रिलेटिविज्म का आंसर बनेगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। ओके, इंट्रोडक्शन जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर मार्क होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप पहले डेफिनेशन लिख रहे हो। ठीक है, दिस वॉन्ट वर्क। देन द कल्चरल रिलेटिविज्म, अगेन वी हैव डन शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल रिलेटिविज्म, वी हैव डन इज कल्चर यूनिक टू ह्यूमन बींग, इट इज द क्वेश्चन ऑफ प्राइमेटोलॉजी, दैट वी हैव डन, ये हमने कर लिया है। वाई द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म इट इज सो डियर टू द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये इतना डियर क्यों है एंथ्रोपोलॉजिस्ट को। हियर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द यूटिलिटी ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, कि कल्चरल रिलेटिविज्म कितना यूटिलाइज होता है एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, अगर कोई चीज आपके यूज में आएगी तभी तो वो आपको अच्छी लगेगी, अगर ऐसे ही कोई इंसान पड़ा हुआ है आपके साइड में वो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पे जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि कल्चरल रिलेटिविज्म की यूटिलिटी क्या है। ठीक है, तो आपके पास जो कल्चरल रिलेटिविज्म है ये इतना डियर क्यों है एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, यहां पे आपको जो है कल्चरल रिलेटिविज्म की यूटिलिटी को बताना है। कि इनिशियली आपके पास कल्चरल रिलेटिविज्म जो है वो फ्रांस बोआ ने स्टार्ट किया, फ्रांस बोआ ने इस कल्चरल रिलेटिविज्म को, जो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर एथनोसेंट्रिज्म चल रहा था उसको जो है रिजेक्ट किया कल्चरल रिलेटिविज्म के साथ, और कल्चरल रिलेटिविज्म के साथ जो है वो ऑब्जेक्टिविटी लेके आए। ऑब्जेक्टिविटी कैसे लेके आए, कि एक पर्टिकुलर कल्चर को जो है वो दूसरे पर्टिकुलर कल्चर को जज करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। देन मलिनोस्की ही यूज्ड पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन और कल्चरल रिलेटिविज्म को जो है उन्होंने मिला दिया, एंड हेंस वेरी एक्सटेंसिव फील्ड वर्क, और जो आपके पास मॉडर्न फील्ड वर्क होता है, मॉडर्न एथनोग्राफीज होती हैं, वो आपके पास जो है वो लिखी जानी शुरू हो गई। फिर उसके बाद जो आपके पास अगला जो आपके पास रिलेटिविज्म आया, अगेन आरसी ब्राउन ही आल्सो यूज द कल्चरल रिलेटिविज्म टू शो द फंक्शन ऑफ टैबू इन डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग कल्चर के अंदर जो है वो टैबू किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, इट वॉज यूज बाय आरसी ब्राउन। आरसी ब्राउन ने जो है कल्चरल रिलेटिविज्म को इस तरह से जो है वो यूज किया। देन द कल्चरल रिलेटिविज्म इट हैज बीन यूज बाय द पोस्ट मॉडर्निस्ट, ये पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो यूज कर रहे हैं कल्चरल रिलेटिविज्म को, रादर अ रेडिकल फॉर्म ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म इट हैज बीन डेवलप्ड दैट इज नोन एज द पोली वोकैलिटी, जिसको आप पोली वोकैलिटी कहते हो। एंड अलॉन्ग विद दिस पोलिवोकैलिटी एंड स्पेक्टिसिज्म द पोस्ट मॉडर्निस्ट दे आर यूजिंग इट टू डी कंस्ट्रक्ट द एथनोसेंट्रिक और डी कंस्ट्रक्ट द कॉलोनियल थ्यूरीज दैट हैड बीन डेवलप्ड, जो आपके पास डेवलप हो चुकी थी। ठीक है, सो दैट इज वाई आपके पास जो, एंड देन प्लीज क्रिटिसाइज, भाई एंथ्रो के क्वेश्चन में क्रिटिसिज्म लिखना, जो ऐसे क्वेश्चन में क्रिटिसिज्म लिखना जो है वो बेहद बेहद जरूरी होता है। सो देन प्लीज क्रिटिसाइज, इसको जो है क्रिटिसाइज कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ एलिजाबेथ जेंटर, इसको एलिजाबेथ जेंटर से जो है
क्रिटिसाइज कर दीजिए, देन उसके बाद जो है ऑल दो देर हैज़ बिन क्रिटिसिज्म, लेकिन फिर भी इसकी जो यूटिलिटी है आपके पास कल्चरल रिलेटिविज्म की, वो जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा बन जाती है। हाँ, एक चीज़ रह गई, मलिनोवस्की के साथ पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन के साथ जो है वो होलिज्म भी लिखना है, दैट पार्ट, क्योंकि पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन में जो भी आपके पास केस स्टडी मेथड जो भी यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे होलिज्म जो है वो आपका एक बेहद इंपॉर्टेंट फीचर होता है। प्लीज राइट दैट, उसको भी लिखना है कि आपके पास जो होलिज्म है वो मरिनोवस्की ने और फ्रांस बोआ ने जो है वो कल्चरल रिलेटिविज्म के साथ शुरू कर दिया। बिकॉज तब तक आप किसी की कल्चर को प्रॉपरली जान नहीं सकते अगर आप उसके सारे के सारे एस्पेक्ट्स को ना जान लो। सो दीज थिंग्स यू हैव टू राइट, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको लिखनी है इसके अंदर। ओके, सो ब्रिंग आउट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन द सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये भी आई थिंक सबको जो है वो पता ही होगा कि आपके पास क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। सो दीज आर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, एल क्रोबर ने कहा दैट व्हाट कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच में डिस्टिंग्विश किया, कल्चर जो है इट इज़ मोर देन द फिजिकल और इट इज़ दी सुपर ऑर्गेनिक, ये आपके पास सुपर ऑर्गेनिक होती है, और आपके पास जो सिविलाइजेशन होती है इट इज़ दी मटीरियल एनिमलिस्टिक एडजस्टमेंट। एलियट ने आपके पास कल्चर इज़ दी प्रोडक्ट ऑफ दी हारमोनियस एक्टिविटीज़ जो इंडिविजुअल्स में हो रही हैं, दिस सिविलाइजेशन दीज आर द टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी। टोनी बी ने आपके पास कल्चर इज़ मोर स्पिरिचुअल एंड मेटाफिजिकल इन नेचर, सिविलाइजेशन ये आपके पास फिजिकल होती है। देन मैक्लेवर एंड पेज, द कल्चर इज द एंड दैट वी वॉन्ट टू अचीव, सिविलाइजेशन इज द मीन्स दैट, ठीक है। तो ये सारी जो आपके पास दीज ऑल, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको लिखनी है। कई लोग जो हैं इसके बाद एग्जाम्पल देते हैं, अब एनालॉजी ड्रॉ करते हैं दैट आपके पास जो सिविलाइजेशन है इट इज़ लाइक समथिंग हार्डवेयर, जो आपके पास कल्चर है इट इज़ द सॉफ्टवेयर इन साइड, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बहुत अच्छी लगती है वो भी जब आप ऐसी चीज़ें लिखते हो, ठीक है। प्लीज़ राइट दोज, उनको जो है वो प्लीज़ लिखिए। या फिर कई लोग जो हैं वो ये कहते हैं दैट कल्चर इज़ लाइक अ टेक्स्ट, ये इससे भी ज़्यादा अच्छी है, कल्चर इज़ लाइक अ टेक्स्ट दैट इज़ रिटन ऑन अ कॉपी एंड विल बी इंटरप्रेटेड बाय सम एथनोग्राफिस्ट, ठीक है, दैट विल बी इंटरप्रेटेड बाय सम एथनोग्राफिस्ट। और आपके पास जो सिविलाइजेशन है इट इज़ लाइक अ पेन एंड इंक दैट इज़ राइटिंग दैट टेक्स्ट, जो कि इस टेक्स्ट को जो है जिसके सहारे जो है वो लिखा जा रहा है। अगेन इसके अंदर भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म होंगे, बट दिस इज वेरी ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो वेरी डिसेंट, ये भी बहुत डिसेंट है आपके पास, ठीक है। सो द टेक्नोलॉजिकल पार्ट दैट जनरली एग्जिस्ट इन साइड द कल्चर इट इज़ नोन एज द सिविलाइजेशन, कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा होलिस्टिक टर्म है। और आपके पास, हाँ वन मोर थिंग, एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है वो भी लिखनी जो है वो जरूरी है इसके अंदर, एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ कल्चर, ठीक है, कि आपके पास जो है वो अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनिस्ट, हाँ अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनिस्ट, जो आपके पास जब मटेरियल कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है कल्चर के अंदर, तब आपके पास जो है वो सिविलाइजेशन बन जाती है। दीज थिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। टोनी बी ने आपके पास 26 सिविलाइजेशन को जो है वो स्टडी किया, एंड द सिविलाइजेशन तो जैसे आपके पास नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट गिलेन एंड गिलेन को जो है वो एक बार याद रख लेना कि जब आपके पास मटेरियल कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है सो यू हैव द सिविलाइजेशन, तब आपके पास सिविलाइजेशन आ जाती है, कि वही आपके पास जो कल्चर, सिविलाइजेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ कल्चर, दिस इज द एवोल्यूशनरी थ्योरी। ओके, सो दीज थिंग्स यू हैव टू राइट, ये जो सारी चीजें हैं ये आपको लिखनी है, ठीक है। अगेन आई एम रशिंग दीज थिंग्स बिकॉज यू वी हैव टू कवर अलॉट, चीजों को काफी कवर करना है, ठीक है। जब भी ऐसा कोई डिफरेंस कहा जाए लिखने के लिए, प्लीज ट्राई टू बी एज ह्यूमन एज पॉसिबल, आप सिंपल जो है वो लाइन ड्रॉ करके इस तरह से लिख दोगे, ऑब्वियसली एग्जामिनर कहता है कि रट्टा मार के आया है कहीं से और डायरेक्टली उन चीज़ों को लिख दिया है, प्लीज़ गिव दीज एग्जाम्पल्स, तो आपका सवाल जो है, आपका जो उत्तर है वो काफ़ी अच्छा लगता है। कल्चरल रिलेटिविज्म एंड सब्सिक्वेंट वायलेंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स, अगेन यू हैव टू राइट ऑल दोज थिंग्स, एलिजाबेथ जेंटर से शुरू करना है और फिर उसके बाद आपने कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में बताना है। हेयर यू हैव, देखिए सब्सिक्वेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हेयर जो आपके पास केस स्टडीज हैं उनको जो है वो आपके पास ज्यादा कर देना है, ठीक है। दैट देयर आर सम फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स लाइक तालिबान,
और आपके पास बहुत सारे ऐसे फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हैं, दो तीन फंडामेंटलिस्ट ग्रुप के नाम लिख देना। एंड वो जो हैं वो लड़कियों को मार देते हैं, या फिर कई बार जो है लड़कियों को स्कूल वगैरह में नहीं जाने देते। सो दिस इज़ दी क्लियर वायोलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट। ठीक है, सिमिलरली देर इज अ केस ऑफ दी जेनिटेलिया म्यूटिलेशन। ठीक है, देर इज अ कम्युनिटी, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है उनका नाम। ठीक है, हाँ, बोरा कम्युनिटी, बोरा कम्युनिटी के अंदर, वेरी गुड। ठीक है, तो दैट केस स्टडी यू कैन राइट, उस केस स्टडी को जो है वो आप लिख सकते हो, दैट इज मोर एप्ट केस स्टडी। देन कंपोनेंट्स ऑफ द, बिकॉज बोरा कम्युनिटी इट इज़ वेरी यू नो एजुकेटेड कम्युनिटी, बहुत एजुकेटेड कम्युनिटी है। ठीक है, और वो बहुत शातिर तरीके से वो यूज़ कर लेते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म को, दैट इट इज़ आर कल्चर। ठीक है, तो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेज हैं, ऑब्वियसली इट इज सीवियर सीवियर वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, सो बोरा कम्युनिटी है, और जो जेनेटेलिया म्यूटिलेशन है उसके बारे में जो है वो प्लीज़ उसको जो है वो देख लीजिएगा। ओके, सो कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर, दे आर वास्ट एंड वेरिड। इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू राइट यूअर सिलेबस, आपको जो है वो अपना सिलेबस लिखना होता है कि आपके पास कल्चर के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो फिर उसके बाद जो आपके पास सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उन चीज़ों को लिखना है। यू हैव फैमिली, यू हैव मैरिज, मैरिज फैमिली, यू हैव किनशिप, यू हैव पोलिटिकल एसोसिएशन और पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज। सो इस तरह से आपके पास जो है द कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर अलॉन्ग विद लैंग्वेज, यू हैव दी टेक्नोलॉजी, आपके पास टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे आपके पास जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, एंड देन इसके जो है वो प्लीज राइट देयर सब पार्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैरिज, इट हैज़ बीन स्टडीड बाय मोरडॉक, मोरडॉक ने स्टडी की है, कैथरीन गो ने स्टडी की है, तो उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फैमिली, अगेन इट हैज़ बीन स्टडीड, बहुत लोगों ने जो है, मलिनोस्की ने फैमिली को स्टडी किया है। किनशिप, डेविड श्नाइडर ने स्टडी किया है। सो इस तरह से जो है यू हैव मैनी पार्ट्स, इन चीज़ों के जो है वो बहुत पार्ट्स हैं। ठीक है, सो देन दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर। देन यू हैव कल्चरल ट्रेड्स, कल्चरल कॉम्प्लेक्स एंड कल्चरल पैटर्न, इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। ओके, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ कल्चर, ये कल्चर के पार्ट्स होते हैं। कल्चरल ट्रेड्स, कल्चरल ट्रेड्स का मतलब है जैसे आपके पास हाउस हो गया, टीवी हो गया, क्लोथिंग हो गया। होबल ने इसकी डेफिनेशन दी है दैट इट इज़ द रिपीटेड इररिड्यूसेबल यूनिट, कि टीवी को और आप जो है वो तोड़ नहीं सकते। ठीक है, क्लोथिंग को और आप जो है वो तोड़ नहीं सकते, जो आपके सबसे छोटा यूनिट है। ठीक है, ऑफ द लर्न्ड बिहेवियर पैटर्न और द मटीरियल प्रोडक्ट देयर ऑफ इट इज नोन एज द कल्चर। आपने कपड़ा पहना है तो ये आपके पास जो है कल्चरल ट्रेट है। ठीक है, टचिंग फीट, शेकिंग हैंड, सो दीज आर इनडिविजिबल यूनिट्स, इरिड्यूसेबल है ये। ठीक है, किसिंग द चीक, वियरिंग वाइट साड़ी एट मॉर्निंग, तो ये आपके पास जो है दीज आर द कल्चरल ट्रेड्स। एंड वॉट आर द कल्चरल कम्प्लेक्स, कल्चरल कम्प्लेक्स जब कल्चरल ट्रेड्स जो हैं वो साथ में आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोर्निंग। ठीक है, जब किसी का आपने सोग करने के लिए जाना है, जब सोग करने के लिए जो साड़ी वियर करोगे वो कल्चरल ट्रेड होगा, जो आपके पास मोर्निंग का पूरा कम्प्लेक्स है दैट इज द कल्चरल कम्प्लेक्स, वो आपके पास कल्चरल कम्प्लेक्स आ गया। इसको भी होबल ने डिफाइन किया है दैट कल्चरल कॉम्प्लेक्स आर नथिंग बट लार्ज क्लस्टर ऑफ ट्रेड्स, जिनको कि साथ में जो है वो जोड़ दिया गया है, कॉम्प्लेक्स में जोड़ दिया गया है। देन कल्चरल पैटर्न, हियर कल्चरल पैटर्न क्लार्क वाइजर, दिस इज इंपॉर्टेंट। कल्चरल पैटर्न आपको सबको पता ही होगा, गांधीनिज्म, स्पिरिचुअलिज्म, ज्वाइंट फैमिली, ये सब कुछ कल्चरल कल्चरल पैटर्न है, जो कि अपने आप को एक पर्टिकुलर कल्चर के अंदर जो है वो बार 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 शो कर रहा होता है, दिखा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ज्वाइंट फैमिली, इंडिया में किसी भी एरिया में चले जाओ यू विल फाइंड द ज्वाइंट फैमिली, इंडिया में किसी भी एरिया में चले जाओ यू विल फाइंड स्पिरिचुअलिज्म, इंडिया में किसी भी एरिया में चले जाओ यू विल फाइंड गांधीनिज्म। तो ये एक जो है वो कल्चरल पैटर्न है कि बार 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 अपने आप को जो है रिपीट करता जा रहा है। क्लार्क वाइजर सेड दैट आपके पास जो है वो नाइन बेसिक कल्चरल ट्रेड्स होते हैं, जो कि कल्चरल हर एक कल्चरल पैटर्न में जो है वो मौजूद होते हैं।
ठीक है, ये आपके पास कल्चरल ट्रेट्स कौन से होते हैं, दीज आर द, प्लीज इस चीज को अगर आपको नहीं भी पता है प्लीज रिमेम्बर दिस, इसको जो है वो याद कर लीजिएगा। 9 चीजें होती हैं कल्चरल, जो कि आपके पास कल्चरल ट्रेट्स हर एक कल्चरल पैटर्न के अंदर होते हैं। लैंग्वेज, मटेरियल ट्रेट्स, सारी चीजें जो आपके यूटेंसिल्स, टूल्स, वेपन, सब कुछ जो है दे आर इन द मटेरियल ट्रेट्स। देन आपके पास आर्ट होती है, मिथोलॉजी होती है, मिथोलॉजी एंड साइंटिफिक नॉलेज, मतलब नॉलेज का कोई स्रोत होता है। देन यू हैव द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, देन यू हैव द फैमिली एंड सोशल पैटर्न्स, देन यू हैव प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट, वॉर। ये आपके पास 9 चीज़ें होती हैं, 9 कल्चरल ट्रेड्स होते हैं जो किसी भी पैटर्न के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, और ये ट्रेड्स अपने आप को रिपीट करते रहते हैं और एक पैटर्न जो है वो आपके पास क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो ये जो सारी चीज़ें हैं होती हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म ये भी बताएगा कि आपको लैंग्वेज कैसी यूज करनी है। स्पिरिचुअलिज्म के अंदर आप प्रसाद, आप धूप वगैरह यूज करोगे, मटेरियल ट्रेड्स आ गए, एंड देन किसी भगवान की मूर्ति बनाई जाएगी, उसके अराउंड मिथोलॉजी होगी, उसके अराउंड रिचुअल्स किए जाएंगे, आपके रिचुअल्स के अंदर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होगा, अगेन यू विल ओन अ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो सारी चीजें की जाएंगी, गवर्नमेंट जो है वो उन चीजों को हो सकता है रेगुलेट करे, ठीक है, गवर्नमेंट, या फिर उस चीज का प्रभाव जो है वो आपका गवर्निंग प्रोसेस कैसा होगा उसके ऊपर भी पड़ेगा। एंड देन द वॉर्स, जो लास्ट चीज होती है दैट इज द वॉर्स, कि वॉर्स के अंदर भी उसी कल्चरल पैटर्न को जो है और उसी कल्चरल ट्रेड्स को या फिर पैटर्न को जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, जब भी आपके पास वॉर होती है तो बोले सो निहाल वाले, बोले सो निहाल के नारे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास राजपूताना रेजिमेंट है उसके अंदर कुछ और नारे लगाए जाते हैं, अगेन दैट कल्चरल पैटर्न इट इज यूज्ड। ठीक है, तो आपके पास दीज 4 थिंग्स, सॉरी दीज 9 थिंग्स, दे आर चॉक्ड आउट बाय क्लार्क वाइजर, प्लीज रिमेंबर देम, इनको जो है वो याद रख लीजिएगा। एग्जामिनर लुक्स आउट फॉर दीज थिंग्स, इन चीजों के लिए एग्जामिनर जो है वो आपके पेपर में देख रहा होता है। ओके, सो ये हो गया भाई सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर, इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू अ पीडीएफ, जस्ट गिव मी अ सेक, मैं आपको जो है हाँ ठीक है, ये जो आपके पास व्यू आया है सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर, द सुपर ऑर्गेनिक इट वाज यूज्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर इन लेट 19th सेंचुरी, इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, पहले कल्चर को कहा जाता था दैट दिस इज ऑर्गेनिक कल्चर, इनऑर्गेनिक कल्चर। ठीक है, तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल इमाइल डरकाइम ने जो है वो कल्चर को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो है वो डिवाइड किया है। ठीक है, जब आप सॉलिडेरिटी की बात करते हो तो उसके अंदर जो है वो इमाइल डरकाइम कहते हैं कि देयर इज ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी एंड इन ऑर्गेनिक और मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। तो कल्चर को ऑर्गेनिक और इन ऑर्गेनिक में डिवाइड करने की बजाय हर्बर्ट स्पेंसर कल्चर को सुपर ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कल्चर के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो द ह्यूमन सोसाइटी इज द सुपर ऑर्गेनिक दैट एग्जिस्ट इन द हायर लेवल देन द फिजिकल थिंग्स। ठीक है, तो आपके पास देयर आर सर्टन लॉज जो कि ऑर्गेनिक को जो है वो गवर्न करते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर वही सारी चीजें आ जाती हैं दैट कैन बी टच्ड, जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आपको देख सकते हो, एंड देयर आर सर्टन लॉज दैट बिकम द कल्चर, जो आपके पास जो है वो कल्चर बनाते हैं। ओके, सो व्यूड थ्रू द हर्बर्ट स्पेंसर सोशियोलॉजिकल एवोल्यूशन थ्योरी, द सुपर ऑर्गेनिक इट रेफर्स टू द क्लेम दैट द कल्चर इज एन एंटिटी दैट एग्जिस्ट ओवर और बियॉन्ड द इंडिविजुअल दैट मेक्स इट अप, कि इंडिविजुअल इसको बनाता तो है लेकिन फिर उसके बाद वो जो है वो इंडिविजुअल से ऊपर चले जाती है। ठीक है, सो यहाँ तक जो है वो आपके पास जो है वो कल्चरल, इट इज़ द क्लासिकल व्यू, ये आपके पास जो है वो 19th सेंचुरी का एक क्लासिकल व्यू है ऑर्गेनिक एंड सुपर ऑर्गेनिक का।
दैट दीज आर सम सुपर नेचुरल और मेटा फोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कल्चर, जो कि इंसान बना तो लेता है लेकिन उसके बाद वही चीज़ें इंसान को जो हैं वो गवर्न करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्रोबर आते हैं, आपके पास सापियर आते हैं। सापियर बेसिकली जो है वो क्रोबर को ज़्यादातर क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ठीक है, क्रोबर ही वॉज, अब आपके पास बोसियन था, यानी कि बोस का जो था फ्रांस बोआ का ही जो है एक स्टूडेंट था, उन्होंने रिजेक्ट किया कि कल्चर जो है वो बायोलॉजिकल नहीं है और समथिंग दैट ह्यूमन इनहेरिट्स। तो वो जो है वो एक एग्जांपल देते हैं, वो एग्जांपल देते हैं कि आजकल के जो स्कूल के बच्चे हैं उनको अरिस्टोटल से कहीं ज़्यादा समझ है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका दिमाग अरिस्टोटल से तेज़ है, इसका मतलब ये है कि वो बच्चे जो कल्चर है वो लोगों को ज्ञान देती है, वो लोगों को बताती है किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है। एक इंडिविजुअल जो है वो कल्चर का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है, और कल्चर जो है वो सुपर ऑर्गेनिक होती है, वो इंडिविजुअल से कहीं ऊपर होती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सुपर आर्किमिडीज आइस एजेस में पैदा हो जाता, ठीक है, अगर कोई बहुत ही विद्वान व्यक्ति अगर आइस एजेस में भी पैदा हो जाता, वो भी कोई जो है वो कोई कोई बड़ी जो टेक्नोलॉजी है उसको ना बना पाता। ठीक है, तो ये आपके पास क्रोबर का व्यू है कि जो कल्चर है वो सर्वपल्ली होती है, सबसे ऊपर होती है। ठीक है, और आपके पास जितनी भी नॉलेज है जो एक इंडिविजुअल गैदर करता है, हाँ वो जो नॉलेज है इट इज़ गैदर्ड बाय इंडिविजुअल्स, वो इंडिविजुअल्स गैदर करते हैं। लेकिन अगर आप आज के दौर में देखो तो जितनी भी नॉलेज है जो एक इंडिविजुअल गैदर करता है वो आपके पास कल्चरल वे में ही गैदर होती है। सो कल्चर इट इज़ दी सुपर मास, ये आपके पास एक सुपर ऑर्गेनिक चीज़ होती है, इंडिविजुअल से कहीं ऊपर होती है, जिसको इंडिविजुअल्स बनाते हैं। लेकिन आपके पास जो है इंडिविजुअल्स का जो बिहेवियर है वो कल्चर ही बताती है, इंडिविजुअल्स को जो ज्ञान है वो कल्चर ही देती है। ठीक है, ठीक है, तो इसी ने जो है वो एंथ्रोपोलॉजी को एक साइंस की तरह बनाया कि आपके पास जो है कल्चर की स्टडी को भी साइंटिफिक होना चाहिए। ठीक है, एनीवेज, सो सापियर का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है। सो फर्स्टली ही कंसिडर्ड, ये एक एनालॉजी कंसिडर की है उन्होंने कि आपके पास इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक ये जो उनका डेवलपमेंट हुआ है इट इज़ फॉल्स। उन्होंने वही चीज़ें ली हैं जो कि आप जो इंडिविजुअल जो हैं वो कल्चर से धारण कर लेता है, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिविजुअल कल्चर से धारण ही नहीं कर पाता, उन चीज़ों को उन्होंने इग्नोर कर दिया है। सो आपके पास जो लॉज हैं हिस्ट्री के, सोशोलॉजी के, ठीक है, वो आपके पास कभी भी साइंटिफिक नहीं हो सकते, क्योंकि साइंस को प्रडिक्ट कर सकते हो। मैंने ऐसे पेन फेंका नीचे गिरेगा, इसको प्रडिक्ट कर लिया मैंने कि हाँ पेन फेंकूंगा नीचे गिरेगा। ठीक है, आपके पास सोशोलॉजी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर ऐसे लॉज नहीं लगते कभी भी। ठीक है, सो आपके पास द सुपर ऑर्गेनिक, ये स्टिल इट इज़ डिबेटेड, इसको अभी भी डिबेट किया जा रहा है। लेस्ली वाइट ने इसके अगेंस्ट जो है वो एक और नोशन दिया हुआ है, दैट इज़ द कल्चरोलॉजी। सो लेस्ली वाइट जो है वो अपना जो है वो एक एवोल्यूशनिस्ट व्यू देते हैं। ठीक है, कल्चरोलॉजी का जो व्यू है, लेस्ली वाइट का जो व्यू है, दैट वी स्टडी इन दी लेस्ली वाइट्स थ्योरी, जो आपके थ्योरीज वाले चैप्टर में है, वहाँ पे लेस्ली वाइट कहते हैं दैट देर इज यूनिवर्सलिज्म। वहाँ पे वो लेस्ली वाइट जो है वो कुछ साइंटिफिक चीज़ें भी ले लेते हैं कि जो एवोल्यूशन है वो यूनिवर्सलिज्म ही होता है, और यूनिवर्सली भी होता है, और इंसान जो है वो अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना जो कल्चर है उसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो आपके पास जो कल्चर है वो डिफाइन कैसे करता है कि उसको जो है वो एनर्जी लेनी होती है अपनी एनवायरनमेंट से। सो लेस्ली वाइट कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास कल्चर के अंदर होती हैं। ठीक है, जैसे आपके पास जो है वो देर आर मिथोलॉजी, देर आर टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स, देर आर गवर्नेंस सिस्टम्स, तो ये आपके पास कल्चर के अंदर बैठी होती हैं, और इनका मकसद जो है वो यही होता है कि किस तरह से जो है वो आपके पास
इनर्जी को लिया जा सके और एनर्जी को एफिशिएंटली जो है वो यूज़ किया जा सके। सो एक नोशन जो है, एक कंसेप्ट जो है, इसके अगेंस्ट एक मॉडर्न नोशन जो लेस्ली वाइट ने दिया हुआ है, दैट इज़ नोन एज दी कल्चरोलॉजी नोशन। ठीक है, सो प्लीज़ रिमेंबर दीज, मोटी मोटी बातें हैं, इनको जस्ट रिमेंबर कर लेना। सिर्फ ये चीज़ों को जो ऊपर अगर नहीं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं समझ में आ रहा, नहीं पल्ले पड़ रहा, तो सिर्फ जो है वो आप, हाँ एक बार, सुपर ऑर्गेनिक का मतलब है कि ऑर्गेनिक से ऊपर है। ठीक है, कि आपके पास जो है, जैसे क्रोबर कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सुपर आर्किमिडीज भी आ जाए, सुपर आर्किमिडीज का मतलब आर्किमिडीज से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर इंसान जो है, 100 गुना ज़्यादा बुद्धिमान भी आ जाए इंसान, लेकिन उसकी जो पैदाइश है वो किसी आइस एज में हो जाए, जहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं, जहाँ पे वो कोई किताब नहीं लिख सकता, लिखने के लिए पेन कॉपी नहीं है, या फिर लिखने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास, तो वो जो है वो ऐसे ही पैदा होगा और ऐसे ही मर जाएगा। वो कहते हैं कि आज के जो स्कूली बच्चे हैं वो आपके पास अरिस्टोटल से ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास ज़्यादा बड़ा दिमाग है। ऑर्गेनिक वो जो है, जो ऑर्गेनिक एंटिटी है वो सुपर ऑर्गेनिक को गवर्न नहीं कर सकती। आप जो है वो कल्चर को गवर्न नहीं कर सकते, जो कल्चर है वो आपको नॉलेज देगी, वो आपको गवर्न करेगी। ये सुपर ऑर्गेनिक है कि कल्चर आप एक बार बना तो लेते हो, चीज़ों को लिख के, लिटरेचर को लिख के कल्चर आप एक बार बना तो लेते हो, लेकिन फिर उसके बाद उस कल्चर को चेंज करना जो है वो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनिक सेल्फ। इसीलिए जो आपके पास ये जो सारा अश्लील गीत संगीत है, जब ये गाया जाता है, इट इज़ वेरी लीथल फॉर द कल्चर, ये बहुत लीथल है कल्चर के लिए। हाँ, लाइक सुपर एंड सुपर नेचुरल, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो एक बार आप चीज़ों को बना लेते हो, देन कल्चर बिकम्स लाइक फ्रैंकेंस्टीन मॉन्स्टर, फिर ये अपने आप चलती है और ये जो है वो बाकियों को शिक्षा भी उसी तरह की फिर देती है। ठीक है, चीज़ों को समझ पा रहे हो ना, क्योंकि ये चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं तो जनरली यूपीएससी आस्क कि इसका रेलिवेंस क्या है, आज के कल्चर में इसका रेलिवेंस क्या है, बिकॉज अब यूपीएससी सिर्फ ये नहीं देख रहा है कि आपको आता है या नहीं आता, अब यूपीएससी ये भी देखता है कि आप लोग जो है वो चीज़ों को समझ पाते हो या नहीं समझ पाते। देन अकल्चराइजेशन एंड कॉन्ट्रा कल्चराइजेशन, इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो उसमें सुपर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में अगर आप जो है वो चीजों को नहीं समझ पा रहे हो, इन केस यू आर नॉट एबल टू, कि आपके पास जो है वो स्पेंसर ने क्या कहा, आपके पास अगस्त कोमते ने क्या कहा, जरूरत ही नहीं है इसकी। ठीक है, जाइए मत इसके अंदर। सो इट वाज स्टार्टेड, और दिस डिबेट और दिस कंसेप्ट ऑफ सुपर ऑर्गेनिक वाज स्टार्टेड बाय हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कोमते एक्सेट्रा, सिंपल इतना लिख दीजिए, इतना भी काफ़ी है। ठीक है, देन इन द मॉडर्न टाइम्स आपके पास ये जो डिबेट है, इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय 2 मेन प्लेयर्स, एडवर्ड सपियर और आपके पास अल्फ्रेड क्रोबर। ठीक है जी, बस इतना जो है उसके बाद जो है क्रक्स लिख दीजिए, उसके बाद जो है वो क्रिटिसाइज कर दीजिए। क्रिटिसिज्म इट इज़ बाय एडवर्ड सपियर, एडवर्ड सपियर का क्रिटिसिज्म है कि अल्फ्रेड क्रोबर ने उन्हीं चीज़ों को लिया है दैट कैन बी, जिनको आप रिड्यूस कर सकते हो, जो कि कल्चर से जो लोग जो हैं वो लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने हिस्टोरिकल प्रस्पेक्टिव को जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, तो जो हिस्ट्री है, जो सोशोलॉजी है, उसको लॉज के साथ गवर्न नहीं किया जाता। सो इट इज़ नॉट, जो हिस्ट्री है या फिर सोशोलॉजी है या एंथ्रोपोलॉजी है, इसको साइंटिफिक नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास एकल्चराइजेशन का प्रोसेस, एकल्चराइजेशन का मतलब है इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ द चेंज इन आर्टिफैक्ट्स, कस्टम्स, बिलीव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एकल्चराइजेशन। ओके, सो पहली जो एकल्चराइजेशन की साइकोलॉजिकल थ्योरी है वो थॉमस और ज़ेनेनेकी ने दी थी। ठीक है, सो उन्होंने एक पॉलिश पीजेंट्स इन यूरोप एंड अमेरिका के ऊपर जो है वो स्टडी की थी। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपके पास जो है वो इम्पॉर्टेंट स्टडी है थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव से। ठीक है, ये जो कल्चराइजेशन वाला टॉपिक है इट हैज़ कम फ्रॉम साइकोलॉजी, तो जब आप ये लिखते हो साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, उसके अंदर भी ये जो केस स्टडीज हैं इनको आप कोट कर सकते हो। ठीक है, रादर कोट करनी होती है, एग्जामिनर वॉन्ट्स दिस, पर कोई कोट करता नहीं है।
ठीक है. सो पॉलिश पीजेंट्स जो आपके पास फॉर स्टडिंग द पॉलिश इमिग्रेंट्स इन शिकागो दे एलस्ट्रेटेड थ्री काइंड ऑफ अ कल्चराइजेशन. ठीक है, आपके पास कुछ बोहिमियंस बन गए जिन्होंने दे अडॉप्टेड दी होस्ट कल्चर और अपना रीजन छोड़ दिया. कुछ आपके पास जो हैं वो फिलिस्टीन बन गए दैट अडॉप्टेड दी होस्ट कल्चर, लेकिन अपनी जो ओरिजिनल प्रैक्टिसेस हैं उनको भी उन्होंने अडॉप्ट करके रखा, उनको भी जो है वो उन्होंने पकड़ के रखा. देन आपके पास क्रिएटिव टाइप का मतलब क्या है कि उन्होंने दोनों जो प्रैक्टिसेस हैं वो जो है वो आपके पास क्या कहते हैं उसको कि मिला दिया, दोनों को जो है वो मिक्स कर दिया, दैट इज द क्रिएटिव टाइप. ठीक है, सो इन 1936 रेडफील्ड लिटन हर्शकोविट्स इन्होंने जो है वो कल्चराइजेशन को इस तरह से जो है वो डिफाइन किया है. सो इट इज़ अ फिनोमिना विच रिजल्ट्स व्हेन द ग्रुप और इंडिविजुअल हैविंग द डिफरेंट कल्चर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट के अंदर आते हैं. ठीक है, तो आपके पास जो मिल्टन गॉर्डन है उन्होंने, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो है वो 7 स्टेजेस दी हैं असिमिलेशन की. पहली स्टेज होती है कल्चराइजेशन. असिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जब एक आपके पास बड़ी कल्चर जो है वो छोटी कल्चर को इनगल्फ कर जाती है, छोटी कल्चर जो है वो उसके जो होस्ट की प्रैक्टिसेस हैं उनको ले लेती है. इसको हम कहते हैं असिमिलेशन, जो हम पेपर 2 में यूज करते हैं असिमिलेशन ऑफ ट्राइबल्स. ठीक है, पहला उसका स्टेप होता है कल्चराइजेशन. कल्चराइजेशन का मतलब है कि बच्चों को आप नई आदतें जो हैं वो सिखाना स्टार्ट कर देते हो, नए नॉर्म्स सिखाना स्टार्ट कर देते हो. दूसरा होता है स्ट्रक्चरल असिमिलेशन, कि आप जो है वो क्लब्स वगैरह जो है वो बनाना शुरू कर देते हो, जैसे होस्ट सोसाइटी बनाती है. ठीक है, आप जो है वो क्लब्स वगैरह का मतलब क्या है, जहाँ पे बच्चों का कल्चराइजेशन किया जाए. आप स्कूल्स बनाना जो है वो वेस्टर्न मॉडल के ऊपर अब आपने स्कूल बनाने स्टार्ट कर दिए. देन मैरिटल असिमिलेशन, अगला जो स्टेप होता है वो होता है मैरिटल असिमिलेशन, कि आप उनसे जो है वो शादियां करना स्टार्ट कर देते हो. फिर उस अगला जो होता है देयर इज द आइडेंटिफिकेशन असिमिलेशन. आइडेंटिफिकेशन स्टिमुलेशन का मतलब क्या है, कि आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि जो मेरी घरवाली है उसके जो घर वाले हैं वो कितने अच्छे हैं, क्योंकि मैरिटल असिमिलेशन शुरू हो चुका है. तो आप ये सोचना स्टार्ट कर देते हो कि जो सामने वाला कल्चर है वो कितना अच्छा है, हम जो है वो कितने रूड हैं, हम तो बहुत नीचे के स्तर वाले इंसान हैं. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंडियन ट्राइबल्स में हो रही हैं. तो जब इंडियन ट्राइबल्स में असिमिलेशन का सवाल पूछा जाता है, यू हैव टू राइट दीज थिंग्स, इन चीज़ों को लिखना है आपको. ठीक है, देन आपके पास जो एटीट्यूड रिसेप्शन, ठीक है, आप जो है अगला जो स्टेप आता है वो होता है एटीट्यूड रिसेप्शन असिमिलेशन. इट रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ द प्रेजिडिसेस. ठीक है, आप जो है वो धीरे धीरे उनकी कल्चर को पकड़ना स्टार्ट कर देते हो, और आपके पास जो प्रेजिडिसेस हैं, पहले आपके दिमाग के अंदर कुछ प्रेजिडिसेस होते हैं होस्ट कल्चर के रिगार्डिंग, और होस्ट कल्चर के पास प्रेजिडिसेस होते हैं जो नीचे वाली कल्चर है, जो माइनर कल्चर है उसके रिगार्डिंग. ठीक है, तो वो जो प्रेजिडिसेस हैं वो धीरे धीरे खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज यू स्टार्ट टू नो इच अदर. जो आपके पास 6th स्टेज है डिस्क्रिमिनेशन बंद हो जाता है. जो चौथा 7वां स्टेज है, 7th स्टेज है, वहां पे आपके पास जो है देयर इज एब्सेंस ऑफ द वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, सो इन इंडिया आप जो है वो किस स्टेज के ऊपर हो. इन इंडिया यू आर सम पीपल दे आर ओन दी सेकेंड. कुछ ट्राइबल सेकेंड में हैं, कुछ ट्राइबल थर्ड में हैं, कुछ ट्राइबल फोर्थ में हैं. ठीक है, तो इन स्टेजेस के ऊपर जो है वो इंडियन ट्राइबल्स बैठे हैं. ठीक है, सो ये दिस वाज द इम्पॉर्टेंट. तो आपके पास 4 कल्चराइजेशन स्ट्रेटजीज होती हैं, 4 तरह से जो है वो कल्चराइजेशन किया जाता है. ठीक है, द फर्स्ट वन इट वाज द कल्चराइजेशन. 4 कल्चराइजेशन स्ट्रेटजीज होती हैं आपके पास, असिमिलेशन, सेपरेशन, इंटीग्रेशन, भाई इसको देख लेना, मार्जिनलाइजेशन. ठीक है, असिमिलेशन का मतलब होता है कि होस्ट कल्चर टेक ओवर कर लेती है. सेपरेशन का मतलब जो है होस्ट कल्चर जो बाहर वाली कल्चर है वो रिजेक्ट कर देती है. ठीक है, और होस्ट कल्चर भी रिजेक्ट कर देती है, यहाँ यहाँ पे सेपरेशन. और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं. इसीलिए देयर इज एन असिमिलेशन मॉडल दैट वॉज गिवन बाय ग्रुवे, जो कि ग्रुवे ने दिया था, गोविंद ग्रुवे ने दिया था. दूसरे ओर है आपके पास इंटीग्रेशन मॉडल दैट वॉज गिवन बाय मजूमदार इंडिया के अंदर. ठीक
ठीक है, तो इन चीज़ों को लिखना है। मार्जिनलाइजेशन का मतलब आप उनको जो है वो मार्जिनलाइज कर, अब जो ट्राइबल्स का हो रहा है वो हो रहा है मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। दो इंडिविजुअल जो है दोनों कल्चर के ओरिजिन्स को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, उनको जो है वो नीचे मानना शुरू कर देते हो आपकी, वो हमसे नीचे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ रीड देम आउट, एक बार जो है वो रीड कर लीजिए। पेपर टू में भी सवाल पूछे जाते हैं, पेपर वन में भी सवाल पूछे जाते हैं। ओके जी, सो योर कल्चर इट इज़ ओवर, कल्चर जो है वो आपका ओवर हो गया। नाउ द सोसाइटी एंड कल्चर, अगला चैप्टर सोसाइटी का। सो एल्विन गॉफमैन का कंसेप्ट ऑफ द टोटल इंस्टीट्यूशंस, सो द कंसेप्ट ऑफ द टोटल इंस्टीट्यूशंस, ये आपके पास जो है वो गॉफमैन का नहीं है। हाँ, मेटा कल्चर, मेटा कल्चर का मतलब होता है जो बड़ी कल्चर है, जो यहाँ पे जिसका नाम मैंने डोमिनेंट कल्चर लिख रखा है ना, वो मेटा कल्चर है, ठीक है। दैट आर नोन एज द मेटा कल्चर्स, जो यहाँ पे डोमिनेंट कल्चर्स हैं, ठीक है। मेटा कल्चर भी आपके पास जो है कल्चराइजेशन प्रोसेस के अंदर होती है, जो डोमिनेंट कल्चर होती है दैट इज द मेटा कल्चर। ओके, सवाल ऑब्वियसली मेटा कल्चर के ऊपर जो है वो मैंने एक ड्राइव्ड क्वेश्चन पूछा था, ताकि कल्चराइजेशन के प्रोसेस को कुछ जो है वो रीड वगैरह कर सको, ठीक है, क्योंकि कल्चराइजेशन के ऊपर सवाल आया आ चुका था। अगला जो सवाल पूछा जा सकता था वो मेटा कल्चर्स या फिर मेटा नैरेटिव्स के ऊपर पूछा जा सकता था, ठीक है। मेटा नैरेटिव्स का मतलब जो नैरेटिव सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिकन ड्रीम, इट इज़ अ नैरेटिव, ये एक नैरेटिव बनाया हुआ है। गुजरात मॉडल, इट इज़ अ नैरेटिव, ठीक है। अब आजकल आम आदमी पार्टी एक और नरेटिव स्टार्ट कर रही है, दिल्ली मॉडल, इट इज अ नरेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास मेटा नरेटिव होते हैं। ओके, सो द कंसेप्ट ऑफ द टोटल इंस्टीट्यूशंस, टोटल इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट क्या है? टोटल इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको हर सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, बट दे आर अंडर द ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, एक सेंट्रल जो आपके पास है कंट्रोल होता है, और टोटल इंस्टीट्यूशन के सहारे आपको जो है वो बाहर की दुनिया से कट ऑफ कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बोर्डिंग स्कूल्स, ऑर्फनेजेस, प्रिजन्स, दीज आर नोन एज द टोटल इंस्टीट्यूशन, इनको जो है वो आप टोटल इंस्टीट्यूशन कहते हो। दिस कंसेप्ट इट वॉज गिवन बाय पोस्ट मॉडर्निस्ट, ये आपके पास एक पोस्ट मॉडर्निस्ट थे, द नेम वॉज मिशे फुको, ठीक है, कई लोग उसको फुकॉल्ट भी कहते हैं। सो मिशेल फुकॉल्ट और मिशे फुको वाज अ सोशोलॉजिस्ट और वाज अ पोस्ट मॉडर्निस्ट, जिन्होंने जो है वो ये कंसेप्ट दिया है, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो एक अगेन पागलखाने के अंदर जो है वो उन्होंने स्टडी की, और बेसिकली वो जो है वो पावर स्ट्रक्चर को जो है वो जानना चाहते थे। इसी के ऊपर मैंने जो है वो एक आपको टेस्ट सीरीज में सवाल पूछा था कि डिफरेंट काइंड ऑफ पावर स्ट्रक्चर जो है वो उसको बताइए, अलग अलग तरह के कितने पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन चीज़ों को जो है वो लिख के बताइए, ठीक है। ये जो आपके पास है, दीज इंक्लूडिंग बोर्डिंग स्कूल्स, जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होता है, ठीक है। आपके पास जो है वो असाइलम्स होते हैं, तो उन जो एसे है उनका जो इसके ऊपर काम है, इट वॉज असाइलम्स, एसे का नाम असाइलम्स था। द एसे ऑन द सोशल सिचुएशन ऑफ द मेंटल पेशेंट्स एंड देयर इनमेट्स, ठीक है। आपके पास जो है वो रीसोशलाइजेशन किया जाता है। रीसोशलाइजेशन दो तरह से किया जाता है, पहला होता है कि आपके पास जो है वो जो स्टाफ्स हैं उनकी और स्टाफ की और एक इंडिविजुअल की जो पुरानी आइडेंटिटी होती है उसको छीन लिया जाता है। जैसे आपके पास प्रिजनर्स होते हैं, उनको नंबर दे दिया जाता है, तो वो उसके बाद उनका नाम जो है वो कोई नहीं बोलता, फिर उनका नंबर बोलता है, कैदी नंबर फलाना तुम आओ, कैदी नंबर फलाना तुम आओ, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो रीसोशलाइजेशन किया जाता है। रीसोशलाइजेशन का मतलब क्या है कि फिर उसके बाद उनको नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्टाफ है और जो इनमेट्स हैं वही उनका घर परिवार बन जाता है। जो आपको जो है वो नई चीज़ें उनको सिखानी हैं, अगर वो नई चीज़ें करते हैं तो उनको रिवॉर्ड किया जाता है, अच्छा सैलरी मिल जाता है, अच्छा खाना मिल जाता है। अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो उनको बुरा खाना दिया जाता है, बुरे सेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है वो अवार्ड और पनिशमेंट के मैकेनिज्म से उनका रीसोशलाइजेशन किया जाता है। टोटल इंस्टीट्यूशन को पांच डिवीजन में जो है वो डिवाइड कर दिया था इन्होंने, ठीक है। पहला है आपके पास जो है जो लोग जो हैं वो हार्मलेस हो, जहाँ पे लोग जो हार्मलेस होते हैं, जैसे ऑर्फनेजेस, पुअर पीपल,
होम्स बन जाते हैं। ठीक है, एक और ऐसा ही टोटल इंस्टीट्यूशन के साथ एक और नया सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट है, दैट आर नोन एज द गेटेड सोसाइटीज। प्लीज रीड अबाउट देम, गेटेड सोसाइटीज। गेटेड सोसाइटीज अक्सर आपने देखी होंगी, देयर आप जो बड़े कंपनीज हैं जैसे TDI वगैरह, जो बहुत बड़ी जुबली वॉक, ये जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये गेटेड सोसाइटीज तैयार करती हैं। गेटेड सोसाइटीज का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी का गेट लगा होता है, प्रॉपर वॉलिंग होती है सोसाइटी के अराउंड और प्रॉपर गेट लगा होता है। ठीक है, तो उसके चलते क्या है कि एक सोसाइटी का कल्चर जो है वो बाकियों से अलग बनना स्टार्ट हो जाता है, आपकी जो एसोसिएशन है वो बाहर की दुनिया से ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दे आर नोन एज अ गेटेड, प्लीज रीड अबाउट देम। ठीक है, वो भी जो है वो टोटल इंस्टीट्यूशन से मिलता जुलता कंसेप्ट है। ठीक है, पावर स्ट्रक्चर के बारे में एक बार जो है वो प्लीज रीड कर लीजिएगा, जो आपके पास मिशे फुको ने कितने तरह का जो है वो पावर दिया है, पावर के बारे में बताया है। एनीवेज, सो इंस्टीट्यूशंस दे एस्टेब्लिश, अगर नहीं भी पता तो प्लीज टेल मी, मैं जो है वो लिख के दे दूंगा आपको। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ, तीन चार तरह के पावर्स बताए हैं उन्होंने। ओके, सो इंस्टीट्यूशंस दे एस्टैब्लिश टू टेक केयर ऑफ द पीपल, जो लोग अपना नहीं ध्यान रख सकते, जैसे मेंटल हॉस्पिटल्स। द इंस्टीट्यूशंस दे आर ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेक्ट कम्युनिटी फ्रॉम द डेंजर, जैसे आपके पास वॉर कैंप्स होते हैं, जैसे आपके पास जेल्स होती हैं। फिर उसके बाद जो है वो कुछ नई चीज़ें, कॉलोनियल कंपाउंड जो हैं, जैसे आपके पास बोर्डिंग स्कूल्स हो गए, शिप्स हो गए। ठीक है, सो दीज आर द, आपके पास किसी टास्क के लिए, उसको प्रॉपर टास्क के लिए जो है वो किया जाता है। जो पांचवा है वो आपके पास होते हैं द ट्रेनिंग स्टेशंस। ठीक है, जो आपको नई कोई ट्रेनिंग देते हैं, फॉर एग्जांपल द मोनेस्ट्रीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिलीजियस इंडोमेंट्स, रिलीजियस मोनेस्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, और इसी के बीच में कई लोग मानते हैं कल्ट जो है वो भी इसी का ही एक जो है वो पार्ट होता है, कि कल्ट कल्ट के अंदर भी जो है रीसोशलाइजेशन इसी तरह से की जाती है। ठीक है, कि पुराना नाम जो है वो आपको छीन लिया जाता है, नया नाम दे दिया जाता है, स्वामी फलाना फलाना कुछ नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, सो और आपके पास एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है उसके अंदर, जैसे टोटल इंस्टीट्यूशंस के अंदर सेंट्रल अथॉरिटी होती है, तो वैसे उस बट दैट अथॉरिटी इट इज चोजन टू बी गॉड मैन, या फिर उसको हम इस तरह से चूज करते हैं कि इसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ठीक है, तो चार करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्लीज रीड देम। टोटलिस्टिक फीचर होता है, इनमेट वर्ल्ड, इनमेट्स के साथ दुनिया बनी होती है, प्रिविलेज सिस्टम होता है, और सूजी स्कॉट ने जो है वो इसको जो है क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, बेसिकली क्रिटिसिज्म ये है कि आज के टाइम के ऊपर जो है वो लोग, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है लोग प्रेफर नहीं करते ऐसे इंस्टीट्यूशन को, लेकिन सूजी स्कॉट कहते हैं कि आजकल जो है वो लोग योग विपासना सेंटर्स में जाते हैं और वॉलंटरली जाते हैं, यार अपने अपने हिसाब से चले जाते हैं। तो आपके पास जो है वो थ्री क्रिटिकल डिसीजन, आपके पास स्कॉट जो है वो, आपके पास तीन और जो डिस्कशंस हैं वो इसके ऊपर जो है वो लगाती हैं। एक तो है कि आपके पास जो कोहेसिव इंडस्ट्री आइडेंटिटी है उसके ऊपर गॉफमैन ने ज़्यादा ध्यान दिया है। मेथडोलॉजिकल फ्लॉज हैं, ठीक है, चीज़ों के अंदर सैम्पलिंग फ्लॉज हैं। फिर उसके बाद जो नेचर ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशन है, मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स वगैरह, सो ये स्टिल दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बट आपके पास जो इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म है, दैट हैज़ बीन चेंज, नाउ दे कैन इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये जो ये टोटलाइजिंग इफेक्ट है ये आजकल नहीं दिखाई देता वहाँ पे। ठीक है, बट स्टिल आपके पास वो जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और स्टिल दे आर री इन्फोर्सिंग द आइडेंटिटी, स्टिल प्रॉपरली जो है वो रन कर रहे हैं, और कुछ टेलीफोन्स वगैरह के जरिए जो है वो उनको बाहर रिश्तेदारों से बात भी करवा दी जाती है। यहाँ पे ये जो टोटल इंस्टीट्यूशन की बात है वो ये करते हैं कि आपके पास बाहर वाले एरिया को कट ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द टोटल इंस्टीट्यूशन, ये आपके पास टोटल इंस्टीट्यूशन होता है। ओके, सो टोटल इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट जो है, इट वाज नॉट द ओरिजिनल कंसेप्ट, ये पहले मिशे फुको जो है वो दे चुके थे, बट मिशे फुको पावर को बताना चाहते थे, उसके रिगार्डिंग जो था सेंट्रलाइज्ड पावर किस तरह से लोगों को इफेक्ट करती है उसको बताना चाहते थे, तो मिशे फुको ने जो है वो स्टार्ट किया है ये कंसेप्ट को। एनीवेज, सो डिस्कस द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द थ्री मेजर अप्रोचेस।
सो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल और द ग्रुप इट इज रैंक्ड इन द हायरार्किकल स्टेटस, इसको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। देर आर थ्री अप्रोचेस। पहली है फंक्शनलिस्ट अप्रोच। इट वॉज स्टार्टेड और इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय डेविस एंड मोर। ठीक है, डेविस और मोर ने जो है वो इसको स्टार्ट किया। पांच मेन चीजें हैं जो उन्होंने बताई हैं। पहली है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इनएविटेबल है। दूसरा है क्योंकि फंक्शन डिफरेंट हैं तो सोशल डिफरेंशिएशन या फिर स्ट्रेटिफिकेशन होगा। तीसरा है आपके पास डिफरेंशियल एवेल्यूएशंस होता है ड्यूटी का, पोजीशन का। जो चौथा है रिवॉर्ड दिए जाते हैं जितना बड़ा आप फंक्शन करते हो उस हिसाब से। देन वैल्यूज रिवॉर्ड जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन के हिसाब से लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद इसका क्रिटिसिज्म है, प्लीज रीड थ्रू दिट। ठीक है, सबसे पहले ट्यूमिन का क्रिटिसिज्म है। ट्यूमिन का क्रिटिसिज्म है कि आपके पास ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, आपके पास डेविस कहते हैं कि ये इनएविटेबल है, ये सोसाइटी को जोड़ के रखती है। बट ट्यूमिन कहते हैं कि कहाँ सोसाइटी को जोड़ के रखती है, ये तो हॉस्टिलिटी पैदा कर देती है सोसाइटी के अंदर। फिर उसके बाद माइकल यंग का क्रिटिसिज्म है। माइकल यंग का क्रिटिसिज्म ये है कि इट मे प्रिवेलेंट विद दी दोज विद दी सुपीरियर एबिलिटीज परफॉर्मिंग सर्टन टास्क। वो अपना जो क्लास स्टेटस है उसको जो है वो प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप हमेशा ही आपको जो है वो पूरा मौका दिया जाए पैसा कमाने का क्लास बेस्ड सोसाइटीज के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो डिंड्रोफ राल्फ डिंड्रोफ जो हैं वो आपके पास अगेन वो कहते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास अथॉरिटी स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपरली इन्होंने जो है वो डिफाइन नहीं किया। बिकॉज अथॉरिटी स्ट्रक्चर में आपके पास नॉर्म्स और सेंक्शंस होने चाहिए, उन चीजों को इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, और आपके पास जो किंग्सले डेविस कहते हैं कि दिस इज, ये जो डिफरेंशिएशन है ये ह्यूमन नेचर का पार्ट होता है। ठीक है, तो आपके पास राल्फ डेंड्रॉफ कहते हैं कि ऐसी चीज कुछ नहीं होती, ये आपके पास कोई ह्यूमन नेचर का या फिर कोई हिस्टोरिकल प्रोसेस से जो है वो नहीं बनता। ठीक है, जो आपके पास अथॉरिटी सैंक्शन है वो दैट इज ड्यू टू द नॉर्म्स और द सैंक्शंस दैट आर मेड बाय द सोसाइटी। ठीक है, तो वो सैंक्शन से जो है वो आपका अथॉरिटी स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज द फर्स्ट थ्योरी। सेकेंड थ्योरी इट इज द मार्क्सिस्ट थ्योरी और द डायलेक्टिक द थ्योरी द कन्फ्लिक्ट थ्योरी और द डायलेक्टिक अप्रोच। इसमें वही जो है वो मार्क्स की बातें हैं कि आपके पास जो है वो देयर आर टू मेन क्लासेस, दो मेन क्लासेस होती हैं जो कि इकोनॉमी के हिसाब से बनती हैं। एक होती है बोर्जवा, दूसरे होती है प्रोलिटेरियत। ठीक है, तो आपके पास क्लासेस जो हैं वो आपस में क्लैश करती हैं। बोर्जवा जो है वो प्रोलिटेरियत को एक्सप्लॉयट करता है तो क्लास स्ट्रगल जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, बोर्जवा जो है वो ज़्यादा ड्यू शेयर ले जाता है अप्रोप्रिएट, तो आपके पास जो प्रोलिटेरियत है उसके पास जो चीजें हैं वो कम रह जाती हैं। ठीक है, सो ये क्लासेस के हिसाब से जो है वो मार्क्स जो हैं वो आपके पास कहते हैं कि इस तरह से जो इनक्वालिटी है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, इनक्वालिटी को जो है वो मेन मुद्दा बताते हैं वो। फिर उसके बाद जो है देन देयर इज प्रोलिटेरियत रेवोल्यूशन। फिर उसके बाद वो प्रोलिटेरियत रेवोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, क्लास स्ट्रगल के बाद। एनीवेज, सो द क्रिटिसिज्म, सोरोकेन का क्रिटिसिज्म है, उन्होंने कहा कि कई बार जो क्लासेस हैं वो कोऑपरेटिव भी करती हैं। ठीक है, हमेशा जो है वो क्लासेस के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होता। फिर उसके बाद राल्फ डुंड्रॉफ का जो है वो क्रिटिसिज्म है वो ये है दैट कन्फ्लिक्ट जो है वो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, और जो अथॉरिटी है वो लिजिटिमेसी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे किंग की अथॉरिटी है, किंग को मेडिवल टाइम्स में कहा जाता था दैट ही इज दी वो भगवान की परछाई है, तो उसको भगवान की अथॉरिटी दे दी। तो जो आपके पास क्लास कंटेक्स्ट, जो आपके पास सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल रैंकिंग का कंसेप्ट होता है उसमें एक लिजिटिमेसी की बात आती है, तो लिजिटिमेसी की बात जो है वो कार्ल मार्क्स नहीं कर पाते यहाँ पे। ठीक है, देन और उसके बाद मल्टी डायमेंशनल थ्योरी जो वेबर की है। वेबर तीन चीजें बताते हैं यहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर, क्लास स्टेटस और पार्टी। दिस क्लास स्टेटस और पार्टी ये लिखना जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्लास का मतलब आपकी इकोनॉमिक पोजीशन कैसी है, स्टेटस का मतलब समाज में आपको लोग हैं जो है वो कितना मानते हैं। उसके बाद पावर, पार्टी का मतलब क्या है कि आपकी पावर क्या है, कि आपके अंदर एबिलिटी कितनी है कि आप जो है वो दुनिया को रजिस्ट कर सको, ये होती है पार्टी, दिस इज द पावर। इस तरह से जो है वो वेबर जो है वो पावर को डिफाइन करते हैं।
ठीक है, तो आपके पास चार तरह का करेक्टर जो है वो कैटेगराइजेशन वेबर करके आपको दिखा देते हैं। पहली है जो अपर क्लास, जिसके पास प्रॉपर्टी है। दूसरी है आपके पास अपर क्लास, जिसके पास पावर प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन वो व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, एमएनसीज वगैरह में लगे हुए हैं। चौथी है जो आपके पास बोर्जवा की क्लास है। बोर्जवा की क्लास का मतलब पिटी बोर्जवा। पिटी बोर्जवा का मतलब है कि जो जिन्होंने छोटे मोटे अपने काम काज स्टार्ट किए हुए हैं, कि जिनके पास एबिलिटी है कि ऊपर जाना चाहते हैं। प्रॉपर्टी लेस व्हाइट कॉलर भी वो जो है वो अपना अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आईआईटीज वगैरह में जाते हैं और फिर उसके बाद जॉब ले लेते हैं, कोई बड़ी जो पेइंग जॉब है वो ले लेते हैं। जो चौथी और सबसे कम आती है वो होते हैं मैनुअल वर्कर, जो ब्लू कॉलर जॉब्स वाले होते हैं। सो मॉडर्न टाइम्स के साथ लगती हुई आपके पास जो है मल्टी डिमेंशनल थ्योरी जो है, और जो मल्टी डिमेंशनल अप्रोच के साथ थ्योरी जो है वो वेबर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसका जो है क्रिटिसिज्म आता है। पहला क्रिटिसिज्म जो है वो मार्क्सिस्ट ही करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है डब्ल्यू जी रूचमैन जो हैं वो आपके पास इन्हीं चार क्लासेस को क्रिटिसाइज करते हैं और अपनी जो है वो सात क्लासेस को वो बना देते हैं। दैट देयर आर सेवन पार्ट, आपके पास सात अलग अलग क्लासेस होती हैं, चार क्लासेस नहीं होती। अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, स्किल्ड वर्किंग क्लास, अनस्किल्ड वर्किंग क्लास, अंडर क्लास, इस तरह से जो है वो रूचमैन करते हैं। फिर लेंसकी आते हैं, उनकी किताब थी पावर एंड प्रिविलेज। ठीक है, वहाँ पे जो है वो कहते हैं दैट द अपीयरेंस ऑफ द मेच्योर इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वो जो है वो इस ओल्ड उसमें जो है वो इनक्वालिटी बढ़ती जा रही है, तो जो नीचे वाले लोग हैं उनको जो है वो ऊपर आने ही नहीं दिया जा रहा। ठीक है, और यही जो है वो आपके पास मार्क्सिस्ट का भी यही क्रिटिसिज्म रहता है, न्यू मार्क्सिस्ट का भी यही क्रिटिसिज्म रहता है कि उनको जो है वो ऊपर जो है वो लोग बढ़ने ही नहीं देते, इतने ज़्यादा जो हैं वो आपके पास जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं, कि जो नीचे होते हैं जो वर्किंग क्लास होते हैं वो कभी भी जो, या फिर जो प्रेटिव बोर्जवा होता है वो कभी भी ऊपर नहीं बढ़ पाता, वो कभी भी अपना जो है बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पाता। क्योंकि आपके पास जब आप बिजनेस एक्सपेंड करते हो, देर आर मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, देर आर मैनी चेक पोस्ट दैट हैज़ बिन क्लियर, दैट हैज़ टू बी क्लियर। ठीक है, तो फिर उसके बाद है एफ हंटर और सी डब्ल्यू मिल्स, वो भी कहते हैं कि आपके पास जो है कुछ ऐसी क्लासेस भी बन चुके हैं जो कि बहुत बड़े बड़े नेशंस को, मॉडर्न नेशंस को जो है वो कंट्रोल करती हैं, उनकी डेस्टिनी को गवर्न करती हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक, फेसबुक इतनी बड़ी जो है वो एसोसिएशन बन चुकी है, अब उसको फेसबुक को कहाँ पे रखोगे आप? ठीक है, वो तो बोर्जवा से कहीं ज़्यादा ऊपर हो चुकी है, लैंडेड बोर्जवा से कहीं ज़्यादा ऊपर हो चुकी है। एलन मस्क की कंपनी वो कहीं ज़्यादा ऊपर हो चुकी है। ठीक है, आपके पास अमेजोन वो कहीं ज़्यादा ऊपर हो चुकी है। सो दीज सोशल और दीज जायंट्स दे कंट्रोल, दे कैन, दे हैव वैल्यू मोर देन आर नेशन, एक पूरी नेशन की जीडीपी से ज़्यादा एक बंदे की वैल्यू है, तो ये पूरे के पूरे नेशन की डेस्टिनी गवर्न कर सकते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ऐसे इंडिविजुअल आ चुके हैं, उनको कहाँ पे रखोगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में? ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। और जो लास्ट अप्रोच है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कार्ल मार्क्स और वेबर के बीच में डिफरेंस है, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच, इट वॉज गिवन बाय एम जी स्मिथ, प्लीज रीड देम। यहाँ पे ये सिर्फ यह कहते हैं कि आपके पास सेक्स रोल्स के हिसाब से, एज के हिसाब से प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ऑलरेडी जो थी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थी, ट्राइबल्स के अंदर जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है, ट्राइबल जो हैं वो इगेलिटेरियन सोसाइटीज नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आपके पास जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल में देर इज प्रिमिटिव कॉम्युनिज्म, और प्रिमिटिव कॉम्युनिज्म में इगेलिटेरियन है, सब जो हैं वो इक्वल हैं। तो एम जी स्मिथ कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, एम जी स्मिथ कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, किनशिप, वहां पे भी हो जो है वो सोशल स्टेटस की डिवीजन होती है। ठीक है, हाँ पैसे के रिगार्डिंग ना डिवीजन हो, लेकिन किनशिप और इन चीजों के ऊपर जो है वो वहां पे डिवीजन रहती है। सो दिस इज द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, यहां से चीजें पूछी जा सकती हैं। देन सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, सोसाइटी एंड कल्चर बेसिकली आपके पास दो तीन चीजें हैं यहाँ पे। पहला कल्चर, कुछ लोग मानते हैं
कि आपके पास जो कल्चर है वो सोसाइटी को एम्बेड करता है। कुछ लोग मानते हैं कि सोसाइटी कल्चर को एम्बेड करती है, कुछ लोग मानते हैं कि सोसाइटी और कल्चर अलग है, लेकिन सोसाइटी बनी तभी कल्चर बन पाया, अब कल्चर अलग है सोसाइटी अलग है। फिर आपके पास कुछ जो कहते हैं वो कहते हैं कि ये जान लेना नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि सोसाइटी पहले आया कल्चर पहले आया, अब जो है वो दोनों जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, सो इसी के ऊपर एक और सवाल पूछा जाता है दैट कल्चरल इज अ नेचुरल कंस्ट्रक्ट। कल्चरल क्या नेचुरल कंस्ट्रक्ट है या फिर इट इज मैन मेड? ठीक है, अगेन उसको भी जो है वो इसी तरह से आपको जो है वो फॉलो अप करना है, उसी तरह से जो है वो आपको लिखना है। ओके, उसमें मलिनोस्की कहते हैं कि कल्चर इज नेचुरल, कल्चर बना तभी आपके पास सोसाइटी बन पाई, तो कल्चर इज ऑल एम्बेडिंग इंक्लूडिंग सोसाइटी, सोसाइटी बाद में आती है कल्चर पहले आता है। बट ऑन दी अदर हैंड देयर इज रेडक्लिफ ब्राउन इवन पेटजर्ड और आपके पास एडमंड लीड जैसे फंक्शनलिस्ट हैं जो कहते हैं कि सोसाइटी इट कंसर्न्स विद द सोशल इंटरपर्सनल इंटरग्रुप रिलेशनशिप्स। ठीक है, वाइल्ड कल्चर इट इज अ ओवरऑल ओवरऑल डिजाइन एंड परसेप्शन, डिजाइन एंड परसेप्शन है फॉर द ग्रेट वेराइटी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो आपके पास अगर पहले सोशल रिलेशनशिप्स बनेंगे तभी तो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या लॉ बनाना है हमें, क्या जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह से गवर्न करना है। तो देयर आर सम पीपल दैट थिंक कि आपके पास जो कल्चर है वो लोगों ने जानबूझ के बनाई हुई है, बाद में आई है कल्चर, जो आपके पास सोसाइटी है वो पहले आ गई थी, सोसाइटी जो है नेचुरल कंस्ट्रक्ट है और जो कल्चर है वो बाद में बना है। ठीक है, फिर आपके पास जो है वो देन देयर इज अनदर स्कूल जो ये नहीं मानता कि कल्चर कौन आया पहले कौन नहीं आया पहले। फॉर एग्जाम्पल लेवी स्ट्रॉस और आपके पास ए एल क्रोबर, एल्फ्रेड क्रोबर। एल्फ्रेड क्रोबर कहते हैं कि आपके पास जो देयर इज आर ऑर्गेनिक नेचर दैट इज इन द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर एक ऑर्गेनिक नेचर होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक नेचर का मतलब जो है वो जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये सब बिल्कुल जो है सोसाइटी है। ठीक है, तो जब आप सोसाइटी के पास जाते हो सोसाइटी कल्चर को बनाती है, लेकिन फिर जो कल्चर है वो अलग हो जाता है, वो सुपर नेचुरल हो जाता है या फिर जो है वो सुपर ऑर्गेनिक, सॉरी नॉट सुपर नेचुरल, सुपर ऑर्गेनिक हो जाता है। जब वो सुपर ऑर्गेनिक हो गया कल्चर तो वहाँ पे जो है वो अब जो सोसाइटी है वो कल्चर को जो है वो छू नहीं सकती, अब ऑर्गेनिक कल्चर और सुपर ऑर्गेनिक जो है वो ऑर्गेनिक से परे निकल गया। इस तरह से वो बताते हैं कि पहले से तो ज़रूर सोसाइटी आई होगी लेकिन अब जो है वो कल्चर कुछ और बन चुका है, अब वो सुपर ऑर्गेनिक बन चुका है, दे आर डिफरेंट, अब वो दोनों चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं। लेवी स्ट्रॉस भी इसी तरह से समझाते हैं, बस लेवी स्ट्रॉस यहाँ पे क्रोबर ऑर्गेनिक सुपर ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, लेवी स्ट्रॉस मेंटल मॉडल यूज़ करते हैं, लेवी स्ट्रॉस का जो कीवर्ड है वो है मेंटल मॉडल। ठीक है, फिर आपके पास रेड फील्ड आते हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड जैसे सिविलाइजेशनिस्ट, दीज आर नोन एज सिविलाइजेशनिस्ट, इनको हम सिविलाइजेशनिस्ट कहते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास जो कल्चर है और सोसाइटी है दे आर इंटरवोवन कंसेप्ट, एक चीज़ दूसरी चीज़ के बगैर जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकती, अगर कल्चर चला गया तो सोसाइटी चले जाएगी, सोसाइटी चलेगी तो कल्चर का नामो निशान नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपके पास दिस इज हाउ रॉबर्ट रेडफील्ड से ज़्यादातर जो है वो यू कैन कंक्लूड। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो चीजों को आपको लिखना है। ओके, देन स्टेटस एंड रोल, भाई ये खुद देख लेना, एस्क्राइब्ड स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस, ये जो सारी चीज़ें हैं इट वाज गिवन बाय राल्फ लिंटन, राल्फ लिंटन ने दी थी, तो उन्होंने स्टेटस एंड रोल की बात की। ठीक है, बेसिकली ठीक है, तो फिर उसके बाद स्टेटस जो थे वो दो तरह के थे, अचीव्ड स्टेटस एस्क्राइब्ड स्टेटस। ठीक है, सो मैन एंड हिज वर्क, ऐसे करके राल्फ की किताब का नाम था, तो वहाँ से। ठीक है, सो दिस यू कैन राइट, इन चीज़ों को आप लिख सकते हो। व्हाट आर द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, अगेन वी हैव डन, ठीक है, डिस्कस विद एग्जांपल्स, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्टेटस एंड रोल इन एंथ्रोपोलॉजी, अगेन राल्फ लिंटन वाला सवाल है।
राइट डिटेल्ड नोट ऑन द पोलिएंडर सोसाइटी, ये ट्राइबल का पार्ट है। आई विल, हाँ आज मैं आपको इस लेक्चर के बाद ट्राइबल की जो केस स्टडीज हैं या फिर ट्राइबल का जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको भेज दूंगा, प्लीज गो थ्रू देम। उनके बीच में ही देर विल बी अप्रॉक्सीमेटली मैं जो है वो उसके 25 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, जिसके अंदर जो है वो ट्राइबल की सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा होगा, ट्राइबल का जो आपके पास एथनिक डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ट्राइबल्स में, वो लिखा होगा डाइवर्सिटी इन ट्राइबल्स करके, जस्ट गो थ्रू देम। और आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप ट्राइबल की इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हो, एलपी विद्यार्थी की इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हो, तो हर एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के दो दो जो है वो ट्राइबल के एग्जाम्पल ही देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। देन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रक्चर दैट वी हैव डन। भाई सोशल स्ट्रक्चर इट इज द पार्ट ऑफ थ्यूरीज, ये थ्यूरीज का पार्ट है। ओके ओके, सो एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ऑन द फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो सवाल हैं, एक मैं आपको जो है वो पीडीएफ भेज दूंगा, दैट ये पूछा जा सकता है, दैट इज मैरिज यूनिवर्सल इन इंडिया, मैरिज जो है वो इंडिया के अंदर यूनिवर्सल है या नहीं है, या फिर ये सवाल पूछा जा सकता है कि मैरिज की एज इंडिया के अंदर कम हुई है वो ज़्यादा हुई है, इस तरह से जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। दैट आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ, उसका मैं आपको जो है वो एक पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। वहां पे मैंने अलग अलग रेफरेंसेस लेके जो है वो चीजों के बारे में बताया है। आई विल जस्ट उस चीज को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू, जो चीजें हैं वो इजी रहेंगी आपके लिए एक बार रिवाइज करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द यूनिवर्सलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो इनिशियली जो है वो आपके पास देखिए, अगेन इसी चीज़ के ऊपर एक और सवाल पूछा जा सकता है कि आपके पास लिविंग इन रिलेशनशिप वो मैरिज है या फिर नहीं है, या फिर लिविंग इन रिलेशनशिप को कहाँ सिचुएट करते हो आप मैरिज के बीच में, ठीक है। सो मैरिज के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें होती हैं, इट इज़ अ रिलेशनशिप जो कि सोशली अप्रूव होता है, जो जो कि कस्टम्स और लॉ से सेंक्शन होता है। दीज कस्टम एंड लॉज दे कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, ठीक है। सो जो बिहेवियर है सेक्सेस का वो ये कस्टम्स, ये लॉज जो हैं वो आपके पास जो हैं वो बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, किस कौन कौन सी ड्यूटी करेगा, किसका क्या प्रिविलेज होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैरिज के अंदर डिफाइन होती हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है वो दोनों मियाँ बीवी का जो है वो मैरिज के अंदर ये तालमेल रहता है। फिर उसके बाद अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो बच्चा मैरिज के अंदर पैदा होता है वो लिजिटिमेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये लिजिटिमेसी फादर और मदर की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर उसको हिस्सा दिलाती है, ठीक है। सो थस दिस इज द मैरिज, ये आपके पास मैरिज के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैरिज, ठीक है। तो आपके पास कोई किसी किसी भी तरह की मैरिज के बारे में चीजें आ जाएं, वेदर लिविंग इन अ रिलेशनशिप इट इज मैरिज, फला ट्राइब में कोई मैरिज बाय प्रोबेशन हो रहा है इज इट मैरिज, कुछ भी ऐसी चीजें आ जाए, कुछ भी ऐसा कुछ आ जाए तो वहां पे आपको इन चीजों से ही एनालिसिस करवाना है, ठीक है, कि मैरिज के साथ जो है वो ये चीजें होती हैं। कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिखने हैं दैट आई विल टेल जब आपके पास ये जो सवाल आएगा, ठीक है। आपके पास लीच वगैरह ने ये सारी चीजें जो है वो आपको निकाल के दी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो मैरिज के अंदर होती है, कुछ भी आ जाए यू हैव टू डू दीज थिंग्स। फिर ये समझाया हुआ कि आपके पास जो हिंदू मैरिज है वहां पे वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, के क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटीज़ में भी आपके पास जो है वो मैरिज का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्रिश्चियनिटी में भी बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। देन दिस पर्टिकुलर कमेटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन 1974, बिकॉज फेमिनिस्ट लहर में ये कमेटी का
बहुत बड़ा योगदान रहता है इस कमेटी की फाइंडिंग्स के ऊपर। जो मॉडर्न लॉज बनाए गए हुए हैं, जो आपके पास 80-90 के दशक में जो लॉज बनाए गए हैं, वो इसी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बनाए गए हैं। कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया, CSWI कमेटी, ठीक है। सो प्लीज़ रीड दिस। मैरिज एट एज जो है वो मैरिज की किस तरह से बढ़ रही है, किस तरह से कम हो रही है। सो दास एंड डे की स्टडी है, घोष की स्टडी है, यहाँ पे सेंसस रिपोर्ट की मैंने थोड़ी बहुत जो फिगर्स हैं वो निकाली हैं, ठीक है। सो इस तरह से प्लीज़ रीड देम, ठीक है। एज कहाँ पे इंक्रीज हुई है मैरिज की, कहाँ पे कम हुई है। ऑब्वियसली आपके पास जो है देयर मैरिज इन इंडिया इट इज़ यूनिवर्सल, यूनिवर्सलिटी ख़त्म नहीं हुई है इंडिया में। मैरिज जो है वो अभी भी उतनी ही जरूरी है जितनी आपके पास पहले जरूरी थी। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं आई कि उसने मैरिज जो है वो उसको बंद कर दिया हो। सो अकॉर्डिंग टू CSWI देयर इज ओनली 0.5% वीमेन इंडिया में जो कि कभी मैरी नहीं करती। नहीं तो मैरिज जो है वो आपके पास इंडिया के अंदर वीमेन की जो है वो डेस्टिनी बन चुकी है। सो दिस इज़ वट यू हैव टू राइट कि मैरिज जो है वो अभी भी यूनिवर्सल है इंडिया के अंदर, ठीक है। अगेन प्लीज गो थ्रू दैट, अगर कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप जो है वो लिख सको उस चीज को, ठीक है। और उसके बाद फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ा है, ठीक है। सो 74, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू दिस। 73 पे ये जो सारा सारी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है। कुरियन की स्टडी है ये कि आपके पास जो मार्केटेबल एसेट्स हैं, तो एजुकेशन एस्पिरेशन है, एजुकेशन अटेनमेंट की वो बढ़ गई है, क्योंकि एजुकेशन के साथ ही इंडस्ट्रीज में आपको जो है वो जॉब मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास फैमिली में हर जो चीज़ है वो फॉर्मल ट्रेनिंग से होती है आजकल, तो लोगों को वीमेन को मर्दों को बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है। जो इसी के कारण जो आपके पास है जो छोटे हाउसेस हैं वो आपके पास बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज में जाना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गडेली कहते हैं कि आपके पास जो है बॉयज़ जो हैं उनको जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम दी जा रही है, लड़कियों को अभी इतनी ज़्यादा फ्रीडम जो है नहीं दी जा रही। फिर मुलाटी की स्टडीज़ हैं कि देयर इज सेपरेशन ऑफ वर्क, स्पाउस अपने काम करने जाती, जो आपके पास वीमेन है वो अपने काम करने जाती है, मेल जो है वो अपने काम करने जाता है। सो दोनों के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन गैप हो गया है, नई नई आइडियोलॉजीज आती जा रही हैं जिसके कारण कि आपके पास डिवोर्स रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कूनी कहते हैं कि माल एडजस्टमेंट्स जो हैं वो एक नया नॉर्मल बन चुके हैं, नॉर्मल बिहेवियर बन चुके हैं आपकी सोसाइटी का, कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के बारे में कोई खबर नहीं है लेकिन फिर भी इकट्ठा रह रहे हैं, वो ऐसी माल एडजस्टमेंट्स होती जा रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पैक्ट ऑन हाउस होल्ड वर्क, गुलाटी की एक स्टडी है वुमेन एंड फैमिली इन इंडिया, 1995 में उन्होंने जो है वो की थी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नए नए गैजेट्स आ गए हैं लेकिन वीमेन का काम जो है वो उतने का उतना ही है। तो आपके पास हेल्थ जो है वो नए नए गैजेट्स ने इम्प्रूव की है, लेकिन वीमेन की जो ट्रेजेडी है इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते, मॉडर्नाइजेशन के चलते, वो बड़ी है, वो ज़्यादा हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट के ऊपर गुडी ने स्टडी की है, निमकोफ ने स्टडी की है, मिडल्टन ने स्टडी की है, कोहन ने, मेंडलबूम ने, कुलिंडा ने, सिंजर ने, ये सारी स्टडी की हैं, ठीक है। इनका नाम लिखने के बाद यू विल राइट ऑल दोज थिंग्स कि आपके पास जो साइज है वो छोटा हो गया है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप रीड कर लीजिएगा। अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है, गुलाटी की अगेन उसी वुमेन एंड फैमिली के अंदर जो है वो स्टडी हुई है, ठीक है। सो प्लीज़ रीड दीज थिंग्स, इन चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिए। लाल की स्टडी है, साइबोर्न की स्टडी है इंडिया के अंदर। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ द वीमेन लिबरेशन मूवमेंट्स, चौधरी की स्टडी है, के एस सिंह की स्टडी है, ठीक है, कि वीमेन और फैमिली के जो आपके पास लिबरेशन मूवमेंट का जो है वो फैमिली के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें प्लीज़ गो थ्रू देम, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद दुबे की स्टडी है, कक्कर की स्टडी है,
ठीक है, कि मटेरियल एडजस्टमेंट जो हैं किस तरह से चेंज हो रही हैं, पटनायक की स्टडी है, सिन्हा की स्टडी है, ठीक है, प्लीज़ एक दो चीज़ें जो हैं वो देख लीजिएगा इसमें से। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप किस तरह से इफ़ेक्ट हुआ है विमेन लिबरेशन मूवमेंट्स की वजह से, ठीक है। ये आपका नया, फिर इसके बाद जो है आई हैव नॉट रिटन हेयर, आपके पास जो नया चैप्टर है किनशिप वो शुरू हो जाता है यहाँ से, ठीक है, पेज नंबर 383 से, ठीक है। सो प्लीज़ गो थ्रू देम। क्या सिंपली ये लिखना जो है वो आपका मुसीबत का हल नहीं होगा, वो इसको इन चीज़ों को हल नहीं करेगा कि आपके पास जो है वो फैमिली का साइज छोटा हो गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, डाइवोर्स हो गया जी, फना हो गया, धमकान हो गया, ये जो है इट इज़ नॉट द राइट वे टू राइट। इन द इंट्रोडक्शन इट सेल्फ राइट दोज पीपल नेम, उनका नाम लिख लीजिए, मोलाटी ने, गुलाटी ने स्टडी की है, आपके पास सिंजर की स्टडी है, मंडल बूम की स्टडी है, कुलिंडा की स्टडी है, गुडी की स्टडी है, प्लीज़ राइट दोज नेम्स। इंट्रोडक्शन में ही उन चीज़ों को जो है वो लिख लीजिए, अगर आपको ज़्यादा जो है नाम नहीं याद रह रहे तो जस्ट उन चीज़ों को जो है वो एक बार नोट कर लीजिए, इंट्रोडक्शन में नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद तो आपने वही चीज़ें लिखनी है, वही राम कथा आपने लिखनी है, वो राम कथा फिर उसके बाद जो है वो लिजिटिमेट लगेगी, ठीक है। वैसे रिजल्ट्स जो आप लिखते हैं वो सही ही होते हैं, ठीक है, सबने जो जो हैं वो ज़्यादातर वही रिजल्ट्स निकाले हैं जो आप लोग लिखते हो, बट रेफरेंस देना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, जर्नल स्टडीज़ के लिए तरह जो है चीज़ों को नहीं लिखना है। ओके, सो वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट्स इन ट्राइबल सोसाइटी, आई विल सेंड यू द PDF, वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी, डिस्कस होगी, हो जाएंगी। डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्रेफरेंशियल मैरिजेस, ठीक है, हाँ, सो दीज आर द प्रेफरेंशियल रूल्स, क्रॉस कजन मैरिजेस, उसके अंदर सिमेट्रिकल मैरिजेस, असिमेट्रिकल मैरिजेस, पैरेलल कजन मैरिजेस, ठीक है। सो दिस इज द प्रिस्क्रिप्टिव, सो दीज आर द प्रेफरेंशियल मैरिजेस। इसमें जो आपको चीज़ करनी है वो ये करनी है कि थ्योरीज ज़रूरी हैं इसकी, ठीक है, प्रेफरेंशियल मैरिजेस की द थ्योरीज आर ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट हैं। लेविस्ट्रॉस की थ्योरी है, उन्होंने अलायंस थ्योरी में बताया कि आपके पास इंसिस्ट टैबू के बाद जो है क्रॉस कजन मैरिजेस वो स्टार्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि लेविस्ट्रॉस ने ये माना कि आपके पास जो पैटरनल लाइन है वो इट इज़ क्वाइट, इट वॉज इन इन द एवोल्यूशन इट वॉज यूनिवर्सल, ठीक है। फिर उसके बाद साइको कल्चरल थ्योरी आती है मलिनोस की, कि आपके पास जो है क्योंकि मामा जो है वो अपनी ही जनरेशन में अपनी प्रॉपर्टी को लेना चाहता है, तो मामा जो है वो इस तरह से क्रॉस कजन मैरिज जो है वो करवाता है, ठीक है। फिर उसके बाद दो साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी है डेविड श्नाइडर ने, जी होम्स ने, उन्होंने कहा कि आपके पास जो है वो एक क्या कहते हैं कि सिंपथेटिक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो जाता है फादर की अथॉरिटी के अगेंस्ट मदर साइड में, तो आपके पास ये जो एक ये जो मैरिज है वो शुरू हो जाती है। देन सर जेम्स फ्रेजर, उन्होंने कहा कि आपके पास टोटमिज्म की वजह से, एक्सोगैमी की वजह से आपके पास क्रॉस कजन मैरिजेस जो हैं स्टार्ट हुई हैं। इंडिया में महाराष्ट्र में जो है वो इरावती कारवे की स्टडी है, ठीक है, वो कहते हैं कि इट सीम्स द रिजल्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द सब्सिक्वेंट अब्जॉर्प्शन, जैसे जैसे अब्जॉर्प्शन होता जाता है नॉर्थ नॉर्थर्न लोगों का और सदर्न लोगों का, तो उस अब्जॉर्प्शन की वजह से आपके पास जो क्रॉस कजन मैरिजेज हैं वो स्टार्ट होती हैं। फिर उसके बाद आर सेना ने आकाश जो है वो आपके पास जो अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ पर स्टडी किया है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो आपके पास बच्चे हैं वो पैरेलल कजन में वो फेमिलियर हो जाते हैं, क्रॉस कजन हो जाती है उसके कारण। हंट और हिट हेक ने स्टडी किया है इंडिया के अंदर,
ठीक है। तो वो कहते हैं कि क्योंकि आपके पास बहुत सारे टैबूज हैं मैरिज को लेके, तो बंदा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, क्रॉस कजन मैरिज ही करवा लेते हैं, कि जो इंडियन लोग हैं मैरिज को लेके बहुत बड़ी नाक है उनकी। ठीक है, तो आपके पास बाइलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस हैं, दीज आर द बाइलेटरल पैट्रिली, प्लीज गो थ्रू देम। ठीक है, फिर उसके बाद पैरेलल कजन मैरिजेस की अगेन यू हैव थ्योरीज। ठीक है, रोज फील्ड की थ्योरी है, ठीक है, उनकी थ्योरी है कि रोज फील्ड और बाथ की थ्योरी है। रोज फील्ड कहते हैं कि कंसोलिडेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बाथ कहते हैं कि कोऑपरेशन ग्रुप बन जाता है, जैसे बेडुइंस के अंदर बनता है, तो उसके लिए जो है वो आपके पास पैरेलल कजन मैरिज की जाती है। फिर मदन ने बताया कि क्लास स्टेटस जो है वो बढ़ाने के लिए पैरेलल कजन मैरिज की जाती है। अग्रवाल की स्टडी है, माइंस की स्टडी है, वो कहते हैं कि ये मैरिज पेमेंट जो दहेज है वो रेगुलेटेड रहता है, वो ठीक ठाक रहता है, क्योंकि अपने ही परिवार में लेन देन होता है। ठीक है, तो दहेज जो है वो कंट्रोल में रहता है, तो उसके कारण जो है वो आपके पास ये मैरिज की जाती है। दुबे हैं, दुबे कहते हैं कि मुस्लिम और ट्राइबल ट्रेडिशन की एडमिक्सचर की वजह से आपके पास ये जो मैरिज है वो होती चली जा रही है। प्लीज रीड थ्रू देम भाई, यहाँ से चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं, इनको जो है वो एक बार प्लीज़ इन चीज़ों को जो है वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगेन एक सवाल पूछा गया था, आई थिंक सवाल तो जो था वो 90s का था, लेकिन वो पूछा गया था कि आपके पास किस तरह से जो है वो ये मैरिजेस जो हैं वो की जा रही हैं, ये मैरिजेस क्यों की जा रही हैं। ठीक है, कि क्रॉस कजन मैरिजेस इंडिया में क्यों होती हैं। अब ये जो क्यों है वो थ्योरीज ही बताएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको वहां पे डायरेक्टली थ्योरीज पूछी गई हैं, तो ऐसा सवाल जो है वो पूछा भी जा सकता है कि क्यों होती है प्रेफरेंस मैरिज। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको लिखनी है। देन लिविंग इन रिलेशनशिप, इसको जो है वो अगेन उसी हिसाब से लिखना है। एक बार 303 में आप जो लोग हैं जिन्होंने मैरिज के बारे में बताया है, मलिनोस्की कहते हैं कि फेयर जो फंक्शन है मैरिज का वो बायो साइकिक नीड्स हैं, लिविंग इन रिलेशनशिप में ये पूरा हो रहा है। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि एक फैमिली जो है वो क्रिएट हो जाती है, नरिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है वो प्रॉपर रहता है। ठीक है, देयर आर सर्टन स्टडीज जो कि ये बताती हैं कि आपके पास जो नरिशमेंट है वो चिल्ड्रन का कल्चराइजेशन नरिशमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास मैरिज जो है वो लैक करती है थोड़ा सा। देन उसके बाद लीच कहते हैं कि जॉइंट प्रॉपर्टी फंड जो है वो वुमेन साइड से भी आ जाता है और मेल साइड से भी आ जाता है, एक जॉइंट वेंचर बन जाता है दोनों का, तो ये आपके पास जो है वो नहीं बन पा रहा है लिविंग इन रिलेशनशिप्स में। लिंटन कहते हैं कि आपके पास रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो फैमिली के अंदर पूरी रहती हैं, तो यस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिविंग इन रिलेशनशिप्स में रहती हैं। देन लेविस्ट्रॉस की एक अलायंस जो है वो दोनों परिवारों का क्रिएट हो जाता है, नो, अलायंस जो है वो दोनों परिवारों का नहीं क्रिएट होता, बहुत इंस्टांसिस में पता ही नहीं होता कि लड़का लड़की जो है वो लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो अलायंस क्रिएट होना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, फिर उसके बाद रेमंड फिर्थ कहते हैं, ठीक है, कि आपके पास जो रिचुअल्स के हिसाब से मैरिज बाइंड एवरीथिंग टूगेदर इन दी सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ द रिचुअल डिसेंट एसोसिएशन, तो यहाँ पे कोई बॉन्डेज वगैरह जो है वो सोसाइटी में ऐसी चीज़ों से नहीं दिखाई देता, रादर इन चीज़ों के ऊपर सोसाइटी आपको बटी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स होता है इसके बीच में, डोरी वगैरह होती है, तो ऑब्वियसली डोरी वगैरह नहीं होती। सो किस तरह से आप इसका करोगे, इन चीज़ों को बताओगे दैट आपके पास जो लिविंग इन रिलेशनशिप है ये इसलिए डेवलप हुआ है बिकॉज देयर हैज़ बीन चेंज इन दी आपके पास एक चेंज आया है सोसाइटी के अंदर, चेंज आया है, तो आपके पास जो है वो लिविंग इन ए रिलेशनशिप जो है वो बना है। इट इज़ दी प्राइमोर्डियल फॉर्म ऑफ मैरिज, ये एक प्राइमोर्डियल फॉर्म ऑफ मैरिज है जो कि बायोसाइकिक नीड्स, सेक्शुअल सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन की नीड प्रोड्यूस कर रही है। बच्चा जो है वो भी प्रोड्यूस हो सकता है, बच्चे का नरिशमेंट भी हो सकता है, बच्चे के इकल्चराइजेशन में देयर आर सम स्टडीज की प्रॉब्लम आती है, लेकिन इकल्चराइजेशन हो सकता है। ठीक है, जॉइंट प्रॉपर्टी फंड, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी फंड नहीं बनता, अलायंस नहीं बनता दो परिवारों के बीच में, ट्रांसफर
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होती हैं, ठीक है, तो आपके पास सोसाइटी को बाइंड ये नहीं कर पाती है. सो देयर आर सम थिंग्स दैट आर लैगिंग, देयर आर सम थिंग्स दैट आर फुलफिल्ड, ठीक है. सो इट इज अ प्राइमोर्डियल फॉर्म ऑफ मैरिज, ये एक प्राइमोर्डियल फॉर्म ऑफ मैरिज है. दिस इज हाउ यू हैव टू राइट, ऐसे चीजों को लिखना है आपको. ओके जी, ओके. सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट. अगेन द क्वेश्चन इट वॉज ओन दी फंक्शंस ऑफ मैरिज, ये सवाल भी पूछा जा सके जा चुका है. अब उन्होंने जो है सवाल को बदल दिया, ठीक है. सो वेज ऑफ एक्वायरिंग द स्पाउसेस और मेट्स इन द सिंपल सोसाइटी, भाई ये इसका मैं आपको जो है हैंड आउट दे दूंगा. इंसिस्ट टैबू, प्लीज गो ऑन टू दिस पेज नंबर. आपने ऑलरेडी इंसिस्ट टैबू के ऊपर जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लिख रखे होंगे. सो प्लीज गो ऑन दिस पेज नंबर. अगर आपको कोई थ्योरी में कोई डाउट आए तो प्लीज लेट मी नो, पूछ लेना. प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्क्राइबिंग द यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज, अगेन गो ऑन दिस पेज नंबर 298. वहाँ पे आपको जो है वो अलग अलग डेफिनेशंस मिल जाएंगी और क्या क्या उनके एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मिल जाएंगी. डिफाइन मैरिज, उसमें से दो चीज़ें जो हैं वो दो डेफिनेशन लिखनी हैं. फिर उसके बाद ये देखिए, फंक्शन ऑफ मैरिज आ चुका है. फंक्शन ऑफ मैरिज को ही उन्होंने इस तरह से बता दिया, चीज वही है बट दे आर जस्ट सीइंग योर क्या कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड देख रहे हैं आपका, ठीक है. सो आपके पास जो है वो प्रेफरेंशियल मेटिंग के ऊपर, अगेन द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल इन इंडिया. इंडिया से एग्जांपल्स आपको लेके देने हैं, ठीक है. जो एग्जांपल्स है प्रेफरेंशियल मीटिंग के वो आपको ट्राइबल से मिल जाएंगे, ठीक है. आई विल सेंड यू द पीडीएफ, तो वहां से आपको जो चीजें हैं मिल जाएंगी. देन उसके बाद आता है किनशिप टर्मिनोलॉजी. किनशिप टर्मिनोलॉजी, जब ऐसा सवाल पूछा जाए आपको किनशिप टर्मिनोलॉजी भी लिखनी है और उसके बाद किनशिप टर्मिनोलॉजी के डिटर्मिनेंट्स लिखने हैं. प्लीज गो थ्रू देम. ये जो आपके पास है किनशिप टर्मिनोलॉजी है, इन्यूट सिस्टम, इन चीजों को देख लीजिए. इन्यूट सिस्टम में क्या है, बेसिकली ये सभी अलग रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली अलग रहती है. जो फीमेल है इधर वाली साइड और इसका जो टर्म है वो सेम रहेगा, जो मेल है इधर वाली साइड और इसका जो टर्म है वो सेम रहेगा, बाकी यहाँ पे सारे के सारे कजन्स होंगे. ये इन्यूट सिस्टम है. ओमाहा सिस्टम, ओमाहा सिस्टम में पूरा बायलेटरलिज्म होता है, ठीक है. दोनों तरफ से जो है वो एक मिरर लगा दिया जाता है, पूरा बायलेटरलिज्म. यहाँ पे चाचा और बाप जो है वो आपके पास इक्वल टर्म्स के ऊपर होते हैं. जो आपके पास जो मासी है और जो मासी है और आप माँ और मासी और आपके पास जो वो एक टर्म में होते हैं, ठीक है. तो आपके पास बाकी जो है वो इन इनको जो है जो ब्रदर सिस्टर्स हैं इनको जो है वो जेंडर के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया जाता है. देन क्रो सिस्टम, क्रो सिस्टम के अंदर जो है वो उल्टा हो जाता है, ठीक है. तो वहाँ पे क्रो सिस्टम में ये चीज़ जो है वो खास, इस ये चीज जो है वो खास रहती है कि आपके पास जो भूआ है और भूआ की लड़की जो है वो उसको एक नाम से बुलाया जाता है, ठीक है. ये क्रो सिस्टम के अंदर खासियत है. फिर उसके बाद आपके पास जो है वो आता है इरोको सिस्टम, ठीक है. इरोको सिस्टम में आपके पास अगेन इट इज वेरी मच सिमिलर, क्या कह सकते हो कि इट इज वेरी मच सिमिलर टू द टू दी क्रो सिस्टम, ठीक है. क्रो सिस्टम से काफ़ी सिमिलर रहता है. बट यहाँ पे जो आपके पास चाचा का लड़का है और जो आपके पास आपका भुआ का लड़का है उसको जो है वो सेम टर्म से बुलाया जाता है, ठीक है. और इनकी जो टर्म्स हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है. आपके पास जो आपकी भुआ की लड़की होती है, सॉरी मासी का लड़का, मासी की लड़की होती है, जो जो आपके पास जो है वो आपकी भुआ की लड़ जो भुआ की लड़की होती है और जो आपके मामा की लड़की होती है उनको जो है वो सेम नाम से बुलाया जाता है. देन यू हैव द सुडानी सिस्टम, इसमें सब लोग जो हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है. फिर आपके पास आ जाता है हवाइन सिस्टम, इसमें सब लोग जो है वो सिर्फ सेक्स के बेसिस के ऊपर और जनरेशन के बेसिस के ऊपर जो है वो आपका डिवीज़न किया जाता है.
ठीक है, प्लीज़ गो थ्रू देम एक बार, जो है वो इनको देख लीजिएगा। ठीक है, चीज़ें दे आर वेरी अंडरस्टैंडेबल। अगर नहीं भी याद आ रहा तो इसमें से एटलीस्ट 3 लोगों को याद कर लीजिएगा। सबसे जो आसान है वो है आपके पास सुडानी, सब लोग अलग हैं, और जो सबसे और उसके बाद उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दैट इज़ द इन्यूट सिस्टम। इन्यूट सिस्टम में क्या है कि आपके पास सिर्फ जॉइंट फैमिली अलग है, बाकी सारे जो हैं वो सेम हैं। चाचा मामा ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स डिवीज़न, इनको जो है वो सेम रखा जाएगा। मासी भुआ इनको सेम रखा जाएगा, जो कजन्स हैं उनको बिल्कुल सेम रखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ओमाहा क्रो अगर डिफिकल्ट लग रहे हैं तो इनको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप जो है एक बार इरुको सिस्टम को याद कर लीजिएगा। इरुको सिस्टम में क्या है कि आपके पास जो है वो बाप और चाचा को सिमिलर रखा जाता है, और आपके पास जो है वो और आपके पास जो है मदर और मासी को जो है वो सिमिलर रखा जाता है। ठीक है जी, सो इस हिसाब से जो है वो इसका डिवीज़न किया जाता है। वन मोर आस्पेक्ट इज़ कि आपके पास ये दोनों जो हैं वो सेम रहते हैं, यानी कि मामा की लड़की और आपकी जो भुआ की लड़की है वो सेम रहती है। ठीक है, एक हवाई सिस्टम को ये देख लीजिएगा। ठीक है, दिस हवाई सिस्टम इज ऑल्सो वेरी इजी टू लर्न, काफ़ी इजी है। सिर्फ सेक्स और जनरेशन के बेसिस के ऊपर डिवीजन है। ठीक है, प्लीज़ लर्न एनी थ्री। ठीक है, किसी 3 को जो है वो याद कर लीजिए, बाकियों को सिर्फ जो है वो कोट कर दीजिए। दैट विल बी मोर देन सफिशियंट। एंड प्लीज ड्रॉ द डायग्राम्स, डायग्राम्स को बनाइए। फिर उसके बाद बात आती है किनशिप टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो आपके पास किनशिप टर्मिनोलॉजी, प्लीज रिमेंबर देम। एल एच मॉर्गन, क्रोबर, लुई मोरडॉक, इन्होंने दी है। सिर्फ एक का नाम लिखने से काफी नहीं है। ठीक है, ठीक है, मॉर्गन की क्लासिफिकेशन है आपके पास, फिर उसके बाद क्रोबर की क्लासिफिकेशन है। क्रोबर ने आपके पास 8 प्रिंसिपल्स दिए हैं। ठीक है, मॉर्गन की तो बहुत सिंपल सी क्लासिफिकेशन है कि आपके पास एक सिरा जो है वो आपके पास हवाइन सिस्टम का होता है। ठीक है, जैसे इन्यूट के अंदर होता है, एक जो आपके पास सिरा है वो सुडानीज का होता है। बीच में आपके पास जो भी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद मोरडॉक इस तरह से क्रिटीरिया देते हैं। प्लीज़ इन क्रिटीरियाज को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और इस टेबल को याद कर लीजिएगा। ठीक है, लुई और मोरडॉक का। ठीक है, लुई ने बेसिकली क्या किया कि इस तरह से जो मोरडॉक की क्लासिफिकेशन थी उसको जो है वो टाइप्स के अंदर, 4 टाइप्स के अंदर जो है वो उसको सबमर्ज कर दिया। ओके, देन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द किनशिप, प्लीज गो थ्रू देम। ठीक है, इसके जो है वो इन चीज़ों को देख लीजिएगा। क्रोबर के डिटर्मिनेंट्स हैं, मोरडॉक ने किस तरह से क्रिटिसाइज किया, फिर उसके बाद किरचॉफ के डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक है, उसका क्रिटिसिज्म है, प्लीज गो थ्रू देम। ठीक है, किनशिप में 2 ही टॉपिक हैं, थ्योरीज और ये डिटर्मिनेंट्स और किनशिप टर्मिनोलॉजी। ठीक है, सो ये जो आपके पास टॉपिक है इनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो प्लीज कंसल्ट मी। ठीक है, ज़्यादातर ये जो है वो रट्टा मारने वाला टॉपिक है, बार बार इसको जो है रिवाइज कर लीजिए। ओके, दैट विल बी मोर देन सफिशियंट। ओके, सो इल्यूसिडेट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द किनशिप टर्मिनोलॉजी, ये हो गया भाई। बाइलिनियल बाइलेटरल डिसेंट, प्लीज रीड इट। ठीक है, बाइलिनियल डिसेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो है वो दोनों लाइंस से आ रहा है। ठीक है, इट इज द सिंपल डिसेंट एंड बाइलेटरल डिसेंट, इट इज द कॉम्प्लेक्स डिसेंट। 401 पेज में जाइए, आपको ये सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। इन केस यू आर नॉट एबल टू राइट इट, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, तो आप जो है वो पूछ लीजिएगा। लीनियज एंड क्लैन, अगेन 401 पेज में पहले वो दिया हुआ है, फिर उसके बाद लीनियज और क्लैन आपके पास आ जाता है। ठीक है, डिस्क्राइब द कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ द डिसेंट एंड अलायंस थ्योरी। ओके, सो ये आपके पास पहले किंगशिप की डेफिनेशन है।
किनशिप की डेफिनेशन, दैट दीज आर द सोशल रिलेशनशिप्स दैट आर ड्राइव फ्रॉम द ब्लड टाइज। फिर उसके बाद श्नाइडर की डेफिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। श्नाइडर कहते हैं दिस इज द शेयरिंग लाइकलीहुड। शेयरिंग लाइकलीहुड है आपके पास जो किनशिप बनाता है। शेयरिंग लाइकलीहुड इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन टू थिंग्स, दो चीज़ों के ऊपर ये शेयरिंग लाइकलीहुड जो है वो डिपेंड करता है। वन इज़ द सिंबल ऑफ ब्लड, ब्लड का सिंबल। दूसरा है आपके पास द सिंबल ऑफ लॉ, लॉ का सिंबल। ठीक है, लॉ का मतलब है कि जो आपको बताता है कि आपकी जायज़ औलाद क्या है, कौन सी है, नाजायज़ औलाद कौन सी है, वो सिंबल ऑफ लॉ है। जो ब्लड का सिंबल है वो ये बताता है कि जब आपकी बायोलॉजिकल औलाद कौन है। तो जब आपके पास दोनों सिंबल जो हैं वो मिल जाते हैं, देन देन इट डेवलप्स द किनशिप, तब आपके पास जो है किनशिप डेवलप होती है। ठीक है, सो आपके पास जो है ये सिमिलैरिटी है, ये आपके पास दो चीज़ें जो है वो शेयरिंग लाइकलीहुड बनाती हैं। ठीक है, द थ्यूरीज ऑफ किनशिप। सो आपके पास देर आर टू थ्यूरीज, वन इज द डिसेंट थ्यूरी, दूसरी है अलायंस थ्यूरी। डूमोंट, लीच, नीदम और आपके पास श्नाइडर जो हैं वो डिसेंट थ्यूरी बनाते हैं, और दूसरी जो है वो होती है आपके पास अलायंस थ्यूरी। अलायंस थ्यूरी इट हैज़ बीन मेड और इट हैज़ बीन गिवन ड्राइव्ड बाय लेविस स्ट्रॉस। ठीक है, तो वो लेविस स्ट्रॉस बनाते हैं। पहली थ्यूरी जो है, जो सोसाइटीज़ में नेगेटिव रूल ऑफ मैरिज होते हैं, नेगेटिव रूल ऑफ मैरिज का मतलब क्या है कि जो सोसाइटी में ये बात होती है कि किससे शादी नहीं करोगे, ठीक है, जहाँ पे टैबू होता है, वहाँ पे तो है कि जो फॉर्मर थ्योरी यानी कि डिसेंट थ्योरी काम करती है। जहाँ पे आपके पास पॉजिटिव रूल ऑफ मैरिज होते हैं वहाँ पे अलायंस थ्योरी काम करती है, कि जिसमें ये बताया जाता है कि कहाँ पे शादी करोगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपके पास मेजर चीज़ें हैं वो किन ने दी हैं। मेन ने, H.S. मेन ने सबसे पहले दिया है, एंशंट लॉ के अंदर जो है इन चीज़ों को लिखा है। फिर उसके बाद मैकलन एंड मॉर्गन ने इसके बारे में बात की है, इमाइल डरकाइम ने बात की है। ठीक है, आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन ने बात की है, रिवर्स ने बात की है, तो प्लीज़ रीड देम। ठीक है, एक बार जो है इन चीज़ों को रीड कर लीजिएगा, अगर कुछ भी नहीं याद रह रहा तो इन लोगों के नाम याद कर लीजिएगा, और जो डिसेंट थ्योरी के बारे में आपको पता है आप जो है वो उन चीज़ों को लिख सकते हो। प्लीज़ रिवा इसको जो है वो याद कर लीजिएगा। फोर्टिस, फोर्टिस ने अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिलिनियल डिसेंट ग्रुप। ठीक है, 1953 में ये जो आर्टिकल है वो छपा है, और वो जो है वो सेगमेंट्री लीनियज मॉडल को डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से जो आपके पास डिसेंट है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो दिस इज द सेगमेंटरी लीनेज मॉडल, ये आप लोगों ने पढ़ी रखा होगा, तिब सोसाइटी के अंदर ये जो है वो आपके पास होता है। ठीक है जी, ओके, फिर उसके बाद डुमोंट ये टेरिटोरियलिटी का, किनशिप का कंसेप्ट बनाता है। फिर उसके बाद कंप्लीमेंट्री फिलिएशन जो है वो आपके पास इसी के बीच में आ जाती है, कि जहाँ पे आपके पास अफाइनल रिलेशनशिप्स होते हैं। एक तो है कि आपके पास फिलिएशन है जो कि डिसेंट ग्रुप में बिलोंग करती है, और इसके अलावा आपके पास दूसरी तरह की फिलिएशन होती है जिसको कहते हैं हम कंप्लीमेंट्री फिलिएशन। सो दिस इज द कंप्लीमेंट्री फिलिएशन। सो M40 जो है तलिनसीज गाना में काम करते हैं, और वहाँ पे वो बताते हैं कि मामा की तरफ से जो मैटरनल अंकल की, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स की जो फिलिएशन होती है, दैट इज़ द कम्प्लीमेंट्री फिलिएशन, कि वहाँ से भी जो है वो कुछ ग्रुप एसोसिएशन वो आती है, कुछ गुड्स आती हैं, कुछ ग्रुप एसोसिएशन, कोई इंसान का नाम जो है वो वहाँ से भी आता है। ठीक है, तो ये सम दे अप्लाई इन दी मैट्रिलिनियल सोसाइटीज ऑल्सो। फिर उसके बाद जो है क्रिटिसिज्म आ जाता है, इवन पेटचर्ट का क्रिटिसिज्म है। ठीक है, कि वो जो है वो प्रॉपरली द इंडिविजुअल्स कुड नॉट ऑलवेज, अपनी लीनियज हमेशा इंडिविजुअल जो है वो बता नहीं पाते, आपने सिर्फ जो है वो एक अफ्रीका के अंदर काम किया और उसके ऊपर आपने एक पूरी थ्योरी बना दी। ठीक है, तो आपके पास जो है वो लीनियल डिसेंट इट इज़ वेरी कॉमन, काफ़ी कॉमन रहता है। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन क्रिटिसिज्म, ये आपके पास मेन क्रिटिसिज्म है। और भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं कि स्ट्रक्चरली ये प्रॉपरली समझा नहीं पाती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
और फिर उसके बाद मेजर क्रिटिसिज्म है सलबेरी का, स्मिथ का, ला फॉन्टेन का क्रिटिसिज्म है, ठीक है, कि अगेन नॉन अफ्रीकन सोसाइटीज़ में ये चलता नहीं है काम। बर्नीज का क्रिटिसिज्म है, ठीक है, कि आप वो एक बाउंडेड अफिलिएशन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अफ्रीकन टेलेंसीज में बाउंडेड अफिलिएशन होता है कि आपको वहाँ पे शादी करनी ही पड़ती है, नो ऑप्शन, बहुत कम ऑप्शन होता है। जहाँ पे अनबाउंडेड किनशिप सिस्टम है वहाँ पे ये काम जो है वो नहीं चल पाता। लीज का क्रिटिसिज्म है कि डिसेंट इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव एक्शन, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव एक्शन है जहाँ पे चॉइस मिनिमम होती है। जो फिलिएशन है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। फिलिएशन का मतलब है जिस ग्रुप के साथ आप ताल्लुकात रखना चाहते हो, ठीक है, वो आपके पास फिलिएशन होगी। फिलिएशन की वजह से आपका जो है डिसेंट बनता है, तो फिलिएशन और डिसेंट को ये लोग जो हैं वो एक मान लेते हैं, वो गलत है। लीच कहते हैं कि दोनों में जो है वो डिफरेंस आ जाता है। तो लीच इसी के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, लेवी स्ट्रॉस का एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं, हार्मोनिक एंड अनहार्मोनिक। तो वह कहते हैं कि जब आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती हैं, जब आपके पास हार्मोनिक सोसाइटी होती है, देन द फिलिएशन एंड डिसेंट दे आर वन, तब फिलिएशन और डिसेंट एक हो जाते हैं। जब आपके पास अनहार्मोनिक या फिर हार्मोनीज प्रॉपरली नहीं रहती, अनहार्मोनिक सोसाइटी होती है, देन जो दोनों चीज़ें हैं जो डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। सो दिस थिंग यू हैव टू राइट, देन द अलायंस थ्योरी, ठीक है। अलायंस थ्योरी इट वाज गिवन बाय द एलिमेंट, इट वाज गिवन बाय लेवी स्ट्रॉस, उनकी किताब का नाम था द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सो वो जो है वो ह्यूमन एक्सचेंज को बताते हैं कि आपके पास जो है वो ह्यूमन एक्सचेंज की वजह से अलायंस जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। देन एक ओके, यहां पे डायग्राम मिसिंग है, मैं आपको डायग्राम जो है वो दे दूंगा इसकी। द डायग्राम इज मिसिंग हियर, ठीक है, चलो मैं आपको डायग्राम जो है वो सेंड कर दूंगा। बाकी इसका जो है क्रिटिसिज्म है, होम का क्रिटिसिज्म है, शनाइडर का क्रिटिसिज्म है, ठीक है। सो ये है आपके पास अलायंस और डिसेंट थ्योरी। अगर डायग्राम नहीं भी होगा तो अलायंस थ्योरी के ऊपर आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है यूट्यूब के ऊपर, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा। प्लीज गो थ्रू दैट, चीज़ें जो हैं वो इजी हो जाएंगी आपके लिए। ओके, सो वेरियस टाइप ऑफ डिसेंट, प्लीज उसके आगे ही है, अलायंस थ्योरी के आगे ही है, डबल डिसेंट वेयर वेरियस टाइप ऑफ डिसेंट, बाइलिनियल, बाइलेटरल, वहाँ पे ही सारा कुछ है। प्लीज रीड देम, एक बार देख लीजिएगा। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द वेरिएशन ऑफ द रेजिडेंस इन द डिफरेंट सोसाइटीज, ठीक है। एक्सप्लेन द, पहला सवाल है, द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज इन द 367, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस, ये आपके पास रीजंस हैं, ठीक है। पैट्री लोकेलिटी के अलग से रीजंस लिखे हुए हैं कि मेल का जब कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाता है सोसाइटी के अंदर, जब वॉर सोसाइटीज होती हैं, जब पोलीगैमस मैरिजेज होती हैं। मैट्री लोकेलिटी, जब आपके पास फीमेल का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाता है हॉर्टिकल्चरल इकोनॉमीज में, पोलीगैनस मैरिजेज कम हो जाती हैं, प्लीज़ रिमेंबर देम ऑल्सो, ठीक है, खासी ये सारा कुछ। एब्सेंस ऑफ वॉरफेयर, वॉरफेयर नहीं होता है, प्लंडर नहीं होता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कम होती है, प्राइमोर्डियल होती है। बाय लोकल डिसेंट, जब आप ज़्यादा सबसिस्टेंस टेक्नोलॉजी, सबसिस्टेंस इकोनॉमी में होते हो, हंटिंग गैदरिंग जैसे समूहन्स हैं, या फिर देर इज़ हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जब रिसोर्सेज कम होते हैं। मैट्री पैट्री लोकल, आपके जैसे डोबगन्स में होता है, मेरिनेशियंस में, रीज़न जो है वो आपके पास है ब्राइडल सर्विस, कि जब तक ब्राइडल सर्विस नहीं होती तब तक जो है वो इंसान को, जो लाड़ा है उसको जो है वो, जो ग्रूम है उसको ब्राइड के घर रहना पड़ता है। तो कुछ टाइम वो ब्राइड के घर रहता है, फिर उसके बाद ब्राइड जो अपना ससुर होता है उसके पास वो काम करता है, फिर उसके बाद वो जो है वो अपने घर चला जाता है। दिस बिकम्स दी मैट्री पैट्री लोकल हाउस, ठीक है। फिर उसके बाद एनवू लोकल आता है, जैसे मेलिनेशियंस में होता है, एनवू लोकेलिटी होती है उसके अंदर, वहाँ पे मेटरनल अंकल से प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हो। दिस वॉज गिवन बाय मलिनोज की, ठीक है, दिस पॉइंट वॉज गिवन बाय मलिनोज की।
फिर उसके बाद जो है वो मेंबरशिप जो है वो मैट्रिलिनियलिटी की होती है, इसलिए एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मामा के ऊपर होती है इसलिए। फिर नियो लोकल होता है जब आपके पास कैपिटलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर्टी का, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते मोबिलिटी की डिमांड होती है कि आपको सिटी में जाना पड़ता है अपनी फैमिली को छोड़ के, ठीक है, हाई क्लास एस्पिरेशंस होती हैं, फूड, या फिर जब कई बार जो है वो फूड की शॉर्टेज हो जाती है तब कोई हंटिंग गैदरिंग ट्राइब्स में भी न्यू लोकेलिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू राइट, ठीक है, अलग अलग आपके पास इनका अलग अलग रीजन है। ओके जी, ओके, सो सेगमेंट्री लीनियज हो गया आपका। एंड हाँ, दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द किनशिप इन्फ्लुएंसेस द मैन सोशल लाइफ, यानी कि यहाँ पे किनशिप की इम्पोर्टेंस बतानी है आपको, किनशिप की इम्पोर्टेंस क्या है। 433, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ किनशिप। जो किनशिप की सिग्निफिकेंस है, इट हैज़ बीन स्टडीड बाय द फंक्शनलिस्ट, इवन पिक्चर ने स्टडी किया, ठीक है, नूअर सोसाइटी में स्टडी किया, अजांडे में स्टडी किया, ठीक है, तो शिलहुक ने भी स्टडी किया, तो वहाँ पे अजांडे के अंदर जो स्टडी किया वो किताब लिखी उन्होंने विच क्राफ्ट, ओरेकल एंड मैरिज, उसके अंदर भी ये किनशिप को स्टडी करते हैं। नुएर के अंदर स्टडी किया उन्होंने, तो वहाँ पे कीफ की ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं, उसकी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं। रेमंड फिफ्थ जो हैं वो टोकोपियंस में स्टडी करते हैं किनशिप ऑर्गेनाइजेशन को, मेयर फोर्टिस हैं वो वेस्ट अफ्रीका में करते हैं, एडमंड लीच हैं वो बोर्नियो में स्टडी करते हैं, श्रीलंका में, बर्मा में स्टडी करते हैं, फिर आपके पास जो मरीनोस्की हैं वो आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ट्रोबरियन आइलैंडर्स में करते हैं, फिर उसके बाद अंडेमान आइलैंडर्स में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन करते हैं। सो दीज आर, ये आपके पास वर्क्स हुए हैं किनशिप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इन केस कोई पूछ ले कि क्या काम हुआ है, ये सारे वर्क्स हुए हैं, और इन वर्क्स के बाद दीज आर द रिजल्ट्स दैट यू हैव गॉट कि आपके पास किनशिप ऑर्गेनाइजेशन वो क्या काम करती है। प्लीज गो थ्रू देम, एक बार देख लीजिएगा इन चीज़ों को। रिलीजियस राइट्स में काम आती है, मैरिटल रिलेशनशिप्स इसके ऊपर बनते हैं, गोत्रा सिस्टम इसके ऊपर होता है, ठीक है, गोत्रा सिस्टम इट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ट्राइबल एसोसिएशन ऑफ मुंडास, मुंडास की ट्राइबल एसोसिएशन से ही आया है जो इंडियन गोत्रा सिस्टम है, ठीक है। सो आपके पास जो ब्रदर सिस्टर बॉन्ड है वो आपके पास बनता है, हुई इज ब्रदर हुई इज सिस्टर, वो जो सारी चीज़ें हैं वो होती हैं, ठीक है, तो ट्राइबल सोसाइटी, तो इस तरह से प्लीज़ गो थ्रू देम, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्लीज़ उसको जो है देख लीजिएगा। ओके, ओके, सो फंक्शनल इम्पोर्टेंस हो गया भाई, दिस वन हैज़ बीन डन। सेगमेंट्री लीनिएज अगेन वी हैव डन, इसको भी हमने कर लिया है, ठीक है, प्लीज़ गो थ्रू दिस पेज नंबर और देख लीजिएगा इसको। ओके, देन द किनशिप सिस्टम, व्हाट इज़ द किनशिप सिस्टम दैट वी हैव डन, और इसका वेस्टर्नाइजेशन के कंटेक्स्ट में क्या इसका प्रभाव हुआ है, 440 पेज नंबर। दीज केस स्टडीज दे आर इम्पॉर्टेंट भाई, किनशिप का इंडिया में किस तरह से किनशिप पैटर्न जो है चेंज हो रहा है, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्ड। एम एस ए राव ने जो है वो इसके ऊपर स्टडी की है, दैट किनशिप पैटर्न, वो उसमें एफिनिटी जो है वो जो लगाव है लोगों के बीच में वो चेंज हो रहा है, वो कम हो रहा है, दो वजहों से कम हो रहा है। एम एस ए रॉय कहते हैं कि दो वजहों से कम हो रहा है, पहली वजह है इंटरकास्ट मैरिज, दूसरी वजह है कि आप लोग जो हैं वो दूर दूर रिश्तेदारियां बनती हैं, तो दूर दूर रिश्तेदारियों की वजह से आपके पास जो है चेंज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद के टी एन उन्नीथन, 2017 में इनकी डेथ हो गई, तो के टी एन उन्नीथन जो हैं उन्होंने मैट्रिलिनियल सिस्टम जो है उसको स्टडी किया, पहला कैथलिन गौर ने स्टडी किया था नायर फैमिली में, फिर उसके बाद जो है वो कैथलिन नायर फैमिली को जो है वो उन्नीथन ने स्टडी किया, के टी एन उन्नीथन ने स्टडी किया, ठीक है। और वो कहते हैं कि कहीं पे ये जो सिस्टम है ये अल्टर हो चुका है, अर्बन एरियाज में तो ये चेंज हो चुका है, जो रूरल पॉकेट्स हैं उसके अंदर ये जो सिस्टम है वो अभी भी पैदा हो रहा है, और वहाँ पे एक वो ये ऑब्जर्वेशन बनाते हैं
पहले क्या था कि जो विजिटिंग हस्बैंड है उसी के साथ जो था वो वाइफ का संबंध रहता था, ठीक है। विजिटिंग हस्बैंड वाइफ के पास जाता था या फिर वाइफ जो है वो हस्बैंड के पास चली जाती थी, तो इस तरह से जो है वो उन दोनों का संबंध रहता था। अब जो है वो वाइफ का संबंध उस विजिटिंग हस्बैंड के साथ भी रहता है और उसके ब्रदर के साथ भी रहता है, ठीक है। तो ये जो है वो नई चीज़ वो जो है वो उन्नीथन बताते हैं, ठीक है, कि तारावाद के जो और लोग हैं उनके साथ भी जो है वो उसके मेटरनल किन्स वगैरह के साथ भी जो है वो उसका संबंध रहता है, जो वाइफ का संबंध है। कई बार वाइफ जो है वो आपको जो हस्बैंड, अगर जो उसका विजिटिंग हस्बैंड है वो अर्बन एरिया में चले जाता है कमाई करने के लिए, तो वाइफ जो है वो 3-3 दिन तक वहाँ पे अर्बन एरियाज में वहाँ पे जो है वो रहती है, या फिर आप छुट्टी लेके जो हस्बैंड है वो उसके पास आ जाता है, 3-3 दिन तक वाइफ के घर में जो है वो रहता है। सो ये जो चेंजेस हैं ये नायर फैमिली में जो हैं वो आई हैं। वेदास का मतलब है कि जो उसका हस्बैंड का घर है, विजिटिंग हस्बैंड के डवेलिंग प्लेस है, ठीक है। सो इस तरह से दीज चेंजेस दीज आर रिकॉर्डेड बाय उन्नीथन, उन्नीथन ने ये चेंजेस जो है रिकॉर्ड की हैं, ठीक है। तो इस तरह से एम एस रॉय कहते हैं कि रूरल एरियाज में अलग चेंजेस हैं, अर्बन एरियाज में अलग चेंजेस हैं। तो मालाबार के कई एरियाज में, त्रावणकोर के एरिया में वो कहते हैं कि बहुत तेज़ी से चेंज आई है। कई जो है वो आपके पास मालाबार के जो इलाका है उसमें जो है चेंज बहुत ही ज़्यादा स्लो है, और आपके पास जो कोचिन है वो बीच में कहीं बीच में है। सो इस तरह से जो चेंज का पैटर्न है वो इंडिया में अलग अलग दिखाई देता है, ठीक है। सो देन जॉनसन सेज दैट द किनशिप सिस्टम इट इज़ चेंजिंग ऑल द टाइम, ये चेंज हो रहा है जैसे जैसे रूल ऑफ रेजिडेंस, रूल ऑफ डिसेंट कुछ भी चेंज होता है तो उसके साथ जो है वो इसके अंदर जो है वो चेंज आपके पास होता रहता है। सो बिकॉज सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको लिखनी है, ठीक है। सो द किनशिप इट इज ओवर, किनशिप जो है वो आपका ओवर है। ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, ठीक है। किनशिप बिहेवियर, अगेन अवॉइडेंस बिहेवियर, जोकिंग बिहेवियर, ये सारा कुछ है इसमें। अगर आपके पास इसका कुछ नहीं है मटेरियल तो भाई मुझे बता देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके ओके, एनीबडी भानु कोई डाउट हो, ठीक है जी, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए सो प्लीज़ रिवाइज इट, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जो चीज़ें नई हैं उनको जो है एक बार देख लीजिएगा। आई विल सेंड यू दिस अपडेटेड पीडीएफ, ये अपडेटेड पीडीएफ है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। इसी के साथ जो है वो आपका जो भी ट्राइबल का काम है मैं आपको वो सेंड कर दूंगा, प्लीज़ गो थ्रू देम एक बार देख लीजिएगा। थीमेटिकली मैंने चीज़ों को अरेंज करके रखने की कोशिश की है, एंड 90% 99% ऑफ द चांसेस आर कि जो है वो उन्हीं थीम से दोबारा फिर से जो है वो ट्राइबल से चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है जी। ओके ओके ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।